Oh, nothing happened. Very good. Alia, good evening. Good evening, sir. We have done something in terms of your arthropods. इंसेक्टा क्या होता है, क्रस्टेशिया क्या होता है, हमने यहाँ पे देख लिया था. वी हैव सीन इंसेक्ट्स एंड क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स, दे ऑल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा का मतलब भी आपका यहाँ पे होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस. दैट इटसेल्फ मींस कि आपके अपेंडेजेस आपके यहाँ पे जॉइंटेड है. दे विल हैव अ थिक क्यूटिकल लेयर जिसका हम कहते हैं एज अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन. यू विल फाइंड इन द आउटर लेयर ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. सेगमेंटेड बॉडी आपके यहाँ पे मिल जाएगी. वी हैव डिस्कस दैट थिंग ऑलरेडी. मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके सामने मैं प्रॉन रखता हूं तो प्रॉन के पास ब्रीदिंग करने के लिए क्या होगा? व्हाट द प्रॉन विल हैव फॉर ब्रीदिंग पर्पस के लिए, वो क्या यूज करेगा प्रॉन? सर गिल्स गिल्स, राइट? गिल्स बिल्कुल सही. इट्स गोइंग टू बी गिल्स, राइट? प्रॉन्स गोइंग टू यूज द गिल्स. और स्पाइडर, सर सर ट्रैकल ट्रेकल सिस्टम, ट्रैकल सिस्टम बुक लंग्स, बुक लंग्स. लंग्स स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियस के लिए बुक लंग्स, ट्रैकल सिस्टम बाकी सारे इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है? सो ऑल द रिमेनिंग इंसेक्ट्स विल हैव द बुक ट्रैकल सिस्टम, बट बुक लंग्स फॉर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. बोलिए मुस्कान, बताइए. अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, बताइए बताइए. सर, मैं तो आर्थ्रोपोडा के बारे में अच्छा पूछना चाहता हूँ। ये आफ्ताब है अपना, बोलो आफ्ताब. सर ये मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो एक बार आप बता दो किसके पास क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कल ही तो बताया था किसके पास क्या होता है रेस्पिरेटरी नहीं ऑर्गन. सर, देखो, एक बार दोबारा हाँ दो प्लीज। हाँ सुनो 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 ना. हाँ, तो देखो ट्राइकल सिस्टम याद रखना. दे आर ऑल यू फाइंड इन द ऑल द इंसेक्ट्स विल हैव द ट्राइकल सिस्टम, ठीक है? देन यू हैव योर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. अब इनके साथ पता है क्या है, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर कमिंग अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी. दैट इज योर आर्कनिडा. दे कम अंडर अ डिफरेंट क्लास जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आर्कनिडा. लेट मी जस्ट राइट ओवर देयर. देखो यहाँ पे समझो, पहले तो ये याद रखना, फिलहाल तो इतना याद रख लो आफ्ताब एंड ऑल ऑफ यू, दैट स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस विल हैव द बुक लंग्स. ये दो ग्रुप के अंदर आपको बुक लंग्स मिलेंगे, ठीक है? बाकी इतने भी इंसेक्ट हो जाए ना, चाहे आपकी मक्खी हो, स्पाइडर, आपका हाउस फ्लाई हो, योर ड्रॉसोफिला हो, ग्रास ऑपर हो, लोकस्ट हो, एवरीथिंग विल हैव द ट्रैकल सिस्टम. नाउ यू शुड नो दैट योर यहाँ पे आपने दो क्लास यहाँ पे आपने देखे थे. वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आपने दो क्लास लिखे हुए आपने देख लेते हैं. यहाँ पे इंसेक्ट एंड क्रस्टेशिया, एक और क्लास आप यहाँ पे याद रख लो, नीडा. ये आपका जो क्लास होता है इसके अंदर आप क्या आते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. तो इनको हम इंसेक्ट से अलग रखते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. इसमें एक और ग्रुप आपका आता है जिसे हम कहते हैं टिक्स एंड माइट्स. इसमें लाइक स्पाइडर्स आएंगे, स्कॉर्पियंस आएंगे, एंड यू विल आल्सो फाइंड योर टिक्स एंड माइट्स भी इसके अंदर ही आते हैं. ये टिक्स अगर आपने किसी ने घर पे अगर डॉग पाल के रखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर ये मिल जाते कई बार, अगर आप उसे ऐसे ही से शैम्पू नहीं कर रहे हैं और अगर वो बाहर घूम रहा है, तो कैन फाइंड सम टिक्स एंड माइट्स ऑन द डॉग्स. सो दीज ऑल ग्रुप्स विल कम अंडर माई आर्कनिडा. तो इसलिए याद रखना कि आर्कनिडा में जो आपके स्पाइडर स्कॉर्पियंस आते हैं उनके पास होते हैं बुक लंग्स, दे डोंट हैव ट्रैकल सिस्टम. बट जो बाकी सारे मेरे यहाँ पे जो इंसेक्ट होंगे ना, दे विल हैव द ट्रैकल सिस्टम. तो ये एक बात याद रखनी है आपको. आफ्ताब, दिस गोस, या दिस व्हाट यू हैव टू डू. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू फाइलम, दैट्स अ मोलस्का. चलिए मोलस्का की कहानी हम यहाँ पे समझते हैं. सो मोलस्का की जब आप यहाँ पे बात करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ये आपको कौन से हैबिटेट में आपको मिल जाएगा. सो व्हेन यू डिस्कस अबाउट द मोलस्का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से इट्स योर हैबिटेट. हैबिटेट आपको यहाँ पे मिलेगा, हर जगह आपको मिल जाते हैं. यू विल फाइंड इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपको ये मिल जाएंगे, राइट? यू कैन ऑल्सो फाइंड देम मराइन एज वेल. दे आर मराइन एज वेल एंड दे आर ऑल्सो सीन ऑन लैंड एज वेल. सो मराइन एज वेल एज माई टेरेस्ट्रियल, हर जगह आपको ये दिख जाते हैं. सो यू फाइंड देम ऑन फ्रेश वाटर, मराइन एंड टेरेस्ट्रियल. जमीन पे भी आपको ये घूमते हुए आपको दिख जाएंगे. दैट इज वॉट मोलस्का विल बी ऑल अबाउट, राइट?
मोलुस्का इज अ ग्रुप, इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये भी याद रख लेना, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सो आफ्टर आर्थ्रोपोड्स मोलुस्का इज द सेकेंड फाइलम यू हैव टू नो। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका जो होगा वो आपका मोलुस्का यहाँ पे होगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लाइक थ्री पार्ट्स राइट, यू विल हैव अ हेड, फुट एंड विसेरल हम्प। विसेरल हम्प, इन तीन पार्ट्स में आप बॉडी को डिवाइड करते हो, हेड, फुट एंड विसेरल हम्प। अब जब भी आपके सामने मोलुस्का आएगा ना, तो आपको एक एग्जांपल तो आपके दिमाग में आ सकता है, दैट्स योर स्नेल। स्नेल आपका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आपके घर के आसपास आपको मिल जाता है। अगर आपने गार्डन भी बनाकर रखा हो ना अपना खुद का छोटा सा, तो उसमें भी आपको स्नेल ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे। अच्छे होते हैं स्नेल, पता नहीं आपने कौन से कलर के आपने देखे हैं, बट ब्लू कलर के भी आपको दिख जाते हैं वाइल्ड के अंदर। यू विल फाइंड ब्लू कलर के स्नेल आपको दिख जाते हैं मानसून में, ग्रीन कलर के दिख जाते हैं, ग्रे कलर के दिख जाते हैं। सो काफी अच्छे होते हैं, यू गेट टू सी अ स्नेल ओवर देयर। आई होप सबने कभी ना कभी स्नेल तो देखा होगा लाइफ में, देखा है नहीं देखा, यस सर, देखा है। टेक इट एज अ यस। सो इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व अ स्नेल, समझो दिस इज अ बॉडी ऑफ अ स्नेल। अब स्नेल कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया है, सो दे विल हैव अ स्टॉक्ड आईज, उनकी ऐसी लाइक आंखें ऐसे स्टॉक्ड होती है, सो दे विल हैव द स्टॉक्ड आईज राइट। दे विल हैव शेल ऑन द बॉडी, सो दे विल बी हैविंग एक अच्छा खासा शेल बना हुआ आपको मिल जाएगा बॉडी के ऊपर। सो दे विल हैव अ शेल फॉर्मेशन इज सीन ऑन द बॉडी। राइट, तो बॉडी को हमने तीन बार डिवाइड किया। यू हैव अ हेड पार्ट, हेड पार्ट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, यू हैव अ हेड, दिस इज अ हेड पार्ट इन द स्नेल। देन यू हैव अ फुट रीजन, दिस पार्ट ओवर इज कॉल्ड माय फुट। सर आपकी ड्रॉइंग मजे लो बेटा, मजे लो, सही है। यू विल हैव अ फुट वाला पार्ट यहाँ पे, दिस विल बी अ फुट ओवर हियर ठीक है। एंड देन यू हैव अ शेल इन दिस, एंड शेल जो आपको यहाँ पे, ये आपको कहाँ मिल जाए शेल, आपको ऑन द विसरल हम। तो ये जो नीचे वाला जो आपका पार्ट है ना यहाँ पे, That is the visceral hump. ये है मेरे यहाँ पे visceral hump. ये मेरा वो hump है. और इस hump के ऊपर, this is my visceral hump. और इसके ऊपर मेरे यहाँ पे अपना shell आपको यहाँ पे मिल जाएगा. मतलब back side of the body is my hump वाला part, and वहाँ पे आपको आपका shell मिल जाता है. So you have a head part, you have a foot part, and you have a visceral hump over here. अब आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी है. First of all, you have to know that कि आपके snail के अंदर या कई सारे मोलस्का के अंदर, they will have a mouth part. They will have a mouth region called as my radula. So they will have a mouth over here. एंड माउथ विल हैव अ रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन मतलब वो ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है कुछ भी खाना होना उसे आसपास, तो उसको जाके वो मंच कैसे करेगा, फॉर दैट इट हैज अ ऑर्गन ओवर देयर। सो माउथ विल हैव अ स्पेशल ऑर्गन हियर, सो माउथ विल हैव वन ऑफ द ऑर्गन, सो माउथ हैज एन ऑर्गन कॉल्ड एज माय रेडुला। रेडुला फीडिंग टाइम पे क्या है, मदद करता है, लाइक फीडिंग टाइम पे जो भी ये कंज्यूम करता है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ रेडुला। सो रेडुला इज समथिंग वी विल फाइंड इन द माउथ पार्ट, सो माउथ पार्ट विल हैव समथिंग कॉल्ड एज अ रेडुला। रेडुला टर्म दिमाग में बिठा दो, ये टर्म आपका सेफ आएगा मोलुस्का के साथ। दिस टर्म इज समथिंग विच इज ओनली रिलेटेड टू द मोलुस्का, दैट्स इट, हैंड्स डाउन। सो रेडुला इज समथिंग वी विल फाइंडिंग इन द माउथ पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर ग्रुप ठीक है। देन यू विल गेट टू सी, इसके अलावा यू विल फाइंड इन दिस शेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। शेल जो आपका यहाँ पे होता है, शेल इज मेड ऑफ माय कैल्शियम कार्बोनेट। शेल आपको बनेगा, आपको देखता हो मिलके यहाँ पे, मेड ऑफ माय कैल्शियम कार्बोनेट। अब सवाल यहाँ पर है कि यार ये मेरा शेल बना कौन रहा है, सो व्हाट इज एक्चुअली फॉर्मिंग शेल ओवर हियर। तो आपको जो विसरल हम्प होता है ना, वहां पे आपको एक आपको फ्लैशी रीजन आपको मिलेगा यहाँ पे। सो विसरल हम्प वाले एरिया के अंदर आपको फ्लैशी एरिया, एंड दैट फ्लैश एरिया जो व्हाइट कलर का मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, दैट फ्लैश एरिया इज कॉल्ड इज माई मेंटल, दिस इज कॉल्ड इज माई मेंटल, एंड दिस मेंटल इज समथिंग विच इज गोइंग टू रिलीज माई कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो मेंटल आपका यहाँ पे होता है ना, आपके हम फॉल एरिया के अंदर यू हैव दिस मेंटल ओवर देयर, दैट इज अ फ्लैशी एरिया इन द स्नेल, एंड दैट मेंटल इज गोइंग टू सिक्रीट आउट माई शेल। तो मेंटल जो आपका होता है, इसे आपका सिक्रीट करा जाता है, लाइक इट इज गोइंग टू सिक्रीट, इट विल हेल्प इन द सेल फॉर्मेशन। मैं इसको ऐसे लिखता हूं यहां पे, इट विल हेल्प इन द शेल फॉर्मेशन। दिस मेंटल इज समथिंग विच विल हेल्प इन योर शेल फॉर्मेशन।
तो अब ये बात है आप यहाँ पे याद रखना, इट विल हैव अ माउथ पार्ट कॉल्ड इज माई रेड्यूला। माउथ के अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा रेड्यूला, जिसके वजह से अपने खाना खा पाता है। द बॉडी इज जनरली लाइक थ्री पार्ट, हेड, फूट एंड विसरल हम्प। हम्प वाले एरिया के अंदर आपको आपके यहाँ पे शेल मिल जाता है, एंड द शेल इज मेड ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, दिस इज द शेल एंड द शेल इज मेड ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे वापस मैं चुका था, दिस इज गोइंग टू बी अ शेल जो आपको बना हुआ आपका यहाँ पे। इससे अगर आपसे कोई पूछा है कि यार ये शेल बना कौन रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे काफी आसान होगा। यहाँ पे दैट मेंटल व्हिच इज सीन ऑन द विसरल हम्प वाले पार्ट के अंदर, इट्स अ फ्लेशी एरिया, दैट मेंटल इज नोन टू फॉर्म द शेल। ये आपको यहाँ पे आपको शेल बना के आपको यहाँ पे देगा। दीज आर द फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू, दीज आर द लाइक इनिशियल फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हो, दैट यू विल फाइंड कि जब भी आप बात करते हो मॉलिक्यूल के बारे में, ये दे आर लाइक दीज आर माई ग्रुप विच विल हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो यू विल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल आपको नहीं मिलता है, यू विल हैव अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेसिकली ब्लड आपका फ्रीली कैविटी में आपके यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है ना कि आपके ब्लड के अंदर यू विल हैव अ पिगमेंट कॉल्ड इज माई हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट आपको यहाँ पे मिलता है ब्लड के अंदर, एंड दैट पिगमेंट इज गोइंग टू गिव यू द, दिस इज अ पिगमेंट, दिस इज अ पिगमेंट यू फाइंड इन द ब्लड। यहाँ पे एक पिगमेंट है जो आपको मिलेगा ब्लड के अंदर, दिस इज अ पिगमेंट यू विल फाइंड इन द ब्लड। और ये पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर हो जाता है ना, इस ग्रुप का, वो हो जाता है आपका ब्लू। तो मॉलिस्का का जो कलर यहाँ पे होता है, ब्लड का कलर जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी ब्लू इन कलर, राइट। सो ब्लड कलर इज गोइंग टू बी, सो ब्लू कलर ब्लड इज ऑब्जर्वेबल, सो ब्लू कलर ब्लड, दैट इज बिकॉज ऑफ माई हीमोसाइनिन एज अ पिगमेंट, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है। देन यू शुड नो कि बिल्कुल ये आपका एक एडवांस ग्रुप है, सो इट विल हैव द कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट, पूरा वेल डेवलप आपको मिलेगा आपके यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट, मतलब यू विल हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके यहाँ पे मिल जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जीआई ट्रैक्ट शॉर्ट में। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दैट्स वन थिंग। सिमेट्री यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, सिमेट्री अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देन सिमेट्री आपकी जनरली होती है आपकी बायलैटरल, सो यू हैव अ बायलैटरल सिमेट्री। बट इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, आपको जनरली क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, विल फाइंड द बायलैटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्लास मिलता है आपके मॉलिस्का के अंदर, यू विल हैव अ क्लास, एंड दैट क्लास हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय गैस्ट्रोपोडा। तो यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगा, एंड उस क्लास को हम बोलेंगे यहाँ पे देयर इज अ क्लास इन दिस, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज योर गैस्ट्रोपोडा। अब गैस्ट्रोपोडा जो आपका क्लास है यहाँ पे, इसमें वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको याद करना, इसमें एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे कौन से आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल जो इसमें आ रहा होता है, दैट्स गोइंग टू बी अ स्नेल। स्नेल एग्जाम्पल आप जो जानते हो, वही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्नेल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय गैस्ट्रोपोडा। अब स्नेल के साथ क्या होता है, लाइक इनिशियल स्टेज पे, राइट, लार्वल स्टेज पे, सेटल लार्वल स्टेज, इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। एक सेकंड ये खत्म कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आफ्ताब, द लार्वल स्टेज, इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। हाँ आफ्ताब, ये पढ़ाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, दो मिनट रुक जाओ बेटा, दो मिनट आफ्ताब, दो मिनट रुक जाओ। सो एट अ लार्वल स्टेज, अगर मैं कहूंगा जब मेरा स्नेल यंग होता है, इट विल हैव अ लार्वल स्टेज, दैट इज व्हेन, दैट्स व्हेन इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन बाद में इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, वो सिमेट्री चेंज क्यों होती है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो इनिशियली आपके यहाँ पे लार्वल स्टेज पे वी हैव द बायलैटरल सिमेट्री। बाद में क्या होता है ना कि आपके स्नेल के अंदर आपका शेल फॉर्मेशन होता है, स्नेल के अंदर यू हैव सीन देयर इज अ शेल फॉर्मेशन विच विल बी हैपनिंग ओवर देयर, राइट। सो जब आपका शेल फॉर्मेशन होता है, व्हेन यू फाइंड व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ शेल फॉर्मेशन, राइट, सो दैट इज समथिंग, जब फुल्ली डेवलप आपका शेल यहाँ पे बनता है एडल्ट के अंदर, तो वहां पे आपका एक इवेंट होता है। क्या होता है वो इवेंट, आपको याद रखना है कि इसकी बॉडी पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट, अब देखो जनरली क्या होता है, आपने क्या देखा है जनरली, दैट अगर कोई एनिमल है, सो इट विल हैव द माउथ पार्ट, ये समझो उसका माउथ है, और माउथ के पीछे उसका होता है वहां पे एनस, माउथ के बाद आपको यहाँ पे एनस मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, आपके गैस्ट्रोपोडा के अंदर क्या होता है कि इनका जो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरा टर्न हो जाता है,
मतलब जहां पे माउथ होता है उसी साइड पे आपका एनस आ जाता है, मतलब पूरा 180 डिग्री टर्न ले लेता है. सो द जीआई ट्रैक विल टेक अ कंप्लीट 180 डिग्री टर्न. सो व्हाट विल हैपन, द माउथ एंड एनस विल बी ऑन द सेम साइड. योर माउथ एंड एनस, आप तब ध्यान दो यहाँ पे, फिर वो समझ नहीं आएगा फिर बाद में. योर माउथ एंड एनस विल बी ऑन द सेम साइड. जब आपको ये चीज होते हुए मिलती है, जब आपने यहाँ पे देखा कि आपका जी आई ट्रैक पूरा अंदर के अंदर आपका यहाँ पे बॉडी आपकी टर्न हो गई, जी आई ट्रैक आपका यहाँ पे टर्न हो गया, एंड नाउ योर माउथ एंड एनस आर ऑन द सेम साइड. जब ये इवेंट यहाँ पे आपका होता है, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टॉर्जन. दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माई टॉर्जन, टी ओ आर एस आई ओ एन. जैसे ही आपका टॉर्जन हुआ, तो टॉर्जन मीन वॉट, 180 डिग्री टर्न, सॉरी 180 डिग्री टर्न जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टॉर्जन. ये आपको होते हुए मिलेगा आपके एडल्ट गैस्ट्रोपोड के अंदर. सो आपका जब गैस्ट्रोपोड आपका ग्रो कर रहा होता है, तब उसका इंटेस्टाइन पूरा टर्न हो जाता है, एंड द बॉडी विल बी इन सच अ वे, पूरी बॉडी की सिमेट्री आपकी चेंज हो जाती है. सो योर माउथ एंड एनस आर ऑन द सेम साइड एंड द सिमेट्री ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू चेंज. तो एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको ये होते हुए मिलता है, यू फाइंड दैट हैपनिंग. जब ये हो जाता है, सो आपकी सिमेट्री आपकी यहाँ पे हो जाती है असिमेट्री. सो एडल्ट्स विल हैव अ असिमेट्री. आपके सामने ये सवाल जरूर आ सकता है कि टॉर्जन कहाँ पे होता है, देन यू शुड बी टू टेल देम कि टॉर्जन इज समथिंग, दिस इवेंट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय मोलुस्का. मोलुस्का के अंदर आपको टॉर्जन होते हुए आपको दिख जाता है आपको यहाँ पे. यू विल फाइंड दैट विद इन द गैस्ट्रोपोड्स यू विल फाइंड ये इवेंट आपको यहाँ पे होता है, जहां पे आपका पूरा जी आई ट्रैक आपका यहाँ पे लेता है आपका 180 डिग्री टर्न, राइट, एंड योर माउथ एंड एनस इज ऑन द सेम साइड. सो कंप्लीट बॉडी विल हैव 180 डिग्री टर्न आपके यहाँ पे हो जाएगा. Your mouth and anus will be on the same side, and because of that, the symmetry is going to change, and that animal becomes asymmetrical. ठीक है? पहले तो सब लोग ये बताओ generally कि क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ये बात आपको यहाँ पे समझ में, that's yes, a very unique yes, event you find happening in this. हाँ बहुत मुस्कान बताइए. Sir, hemocyanin क्या था? एक बार बता दो क्योंकि बीच में network चला गया था. हाँ जी हाँ जी, ये आपका पिगमेंट है. हीमोसाइनिन इज वन ऑफ द पिगमेंट. जैसे हमारे ब्लड के अंदर आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा हमारे ब्लड में वी हैव अ पिगमेंट दैट्स हीमोग्लोबिन, वैसे इसके अंदर भी आपका एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन इज अ पिगमेंट यू फाइंड इन द ब्लड, और ये पिगमेंट की वजह से इट विल हैव अ ब्लू कलरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर आपने गैस्ट्रोपोडा बताया क्लास का नाम है, जो स्नेल इसके अंदर लाए करते हैं, एप्पल स्नेल भी इसके अंदर लाए करते हैं, राइट? बिल्कुल. ओके सर, बताइए हर्षित. सर अभी आपने बताया कि जब ये लार्वल स्टेज में होते तब इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट होने के बाद ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो एग्जाम में अगर मान ली क्वेश्चन आता है तो हमें मार्क क्या करना है? क्वेश्चन अगर आ रहा है ना कि मोलस्का की सिमेट्री क्या होती है, देन यू गो फॉर अ बायलेटरल सिमेट्री. अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आपके गैस्ट्रोपोड्स की सिमेट्री क्या होती है, देन यू हैव टू टेल देम, देन वो वहां पे मेंशन किया होगा असिमेट्रिकल. लेकिन गैस्ट्रोपोड को लेकर सवाल नहीं आएगा डायरेक्टली. आपके सामने सवाल ये आ सकता है कि टॉर्जन कहाँ पे होता है, और उसमें भी ये नहीं पूछा होगा, क्लास नहीं लिखे होंगे वहां पे, उन्होंने पूछा होगा कौन से फैलम में हो रहा होता है. सो दैट्स व्हेन यू हैव टू टेल देम इट्स माय मोलुस्का. तो कभी ऐसे नहीं आएगा सवाल हर्षित, हर्षित सवाल आएगा तो ऐसा आएगा क्या है सिमेट्री मोलुस्का की, देन यू कैन टेल बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही ग्रुप में हो रहा है ना ये चीज, ये सब में तो हो नहीं रहा, इट इज ओनली हैपनिंग इन अ सिंगल क्लास. समझ रहे हो मेरी बात हर्षित? यस सर. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? सो इतने पहले तो चीजें आप इसके अंदर आप याद रखो, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. मेंटल आपका यहाँ पे क्या है, मेंटल आपको बना के दे रहा है आपको यहाँ पे, शेल बना के दे रहा है आपको यहाँ पे, शेल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से. माउथ पार्ट इज अ रेडुला ओवर हियर, फुट आपको मिलेगा आपको यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, एंड काफी स्लो चलते हैं, यू नो दैट दीज एनिमल्स आर गोइंग टू बी क्वाइट स्लो, राइट? देन व्हेन वी टॉक अबाउट माय रेस्पिरेशन, गिल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. सो रेस्पिरेशन के लिए यू गेट टू हैव अ गिल्स इन देम. वी यूज फॉर माय रेस्पिरेशन, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग यू फाइंड इन देम, एंड यू शुड वेरी क्लियरली नो दैट दे विल हैव अ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सो दोनों टाइप के डेवलपमेंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, यू कैन हैव अ डायरेक्ट एज वेल एज एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट.
टाइप के डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रुप इन विच यू विल गेट टू सी दैट द ग्रुप इज हाईली डाइवर्स, लाइक यू कैन फाइंड देम दे हैव ऑक्यूपाइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओशन में है, फ्रेश वाटर में, लैंड पे है, वी नो दैट, दैट्स व्हेन यू फाइंड दे आर द वन विच आर बिकॉज दे आर द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, यू शुड नो दैट ये आपको हर एक हैबिटेट में आपको मिल जाते हैं। तो दे हैव बीन वेरी डाइवर्स एक्चुअली एंड दे हैव बीन एक्सपांडिंग राइट नाउ, सो लाइक वो एक्सपांड हो गए, उनका नंबर काफी जा चुका है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है फॉर समवन हु इज अ वेरी स्लो क्रिएचर। लैंड पे तो काफी स्लो होते हैं बट पानी के अंदर मोलस्का आर गोइंग टू बी क्वाइट फास्ट, जैसे कि आपका ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर मोलस्का जो बहुत फास्ट भी होता है एंड इट्स समथिंग यू मस्ट हैव इमेजिन दैट ऑलवेज। सो ऑक्टोपस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एज एग्जाम्पल में लेता हूँ ऑक्टोपस की, एग्जाम्पल तो आपके यहाँ पे बहुत आएंगे बट अगर मैं ऑक्टोपस का एग्जाम्पल लेता हूँ तो ऑक्टोपस में आप एक चीज यहाँ पे याद रखना दैट ऑक्टोपस अगर आपने कभी देखा होगा ना तो उसका हेड होगा और उसके लेग होते हैं, ठीक है, ऐसे उसके आठ लेग हो जाएंगे, यहाँ पे कम बने, छह ही बनाए हुए लेकिन उसके आठ हो जाएंगे। सो ऑक्टोपस विल ऑलवेज हैव फुट ओवर द अटैच टू इट। अब क्योंकि ऑक्टोपस के पास डायरेक्टली यहाँ पे फुट अटैच यहाँ पे आपको मिल जाता है तो आपको एक चीज याद रखनी है दैट ऑक्टोपस के लिए हम यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा का मतलब यहाँ पे होता है सेफेलो मतलब सर, राइट, पोडा मतलब फीट, आपके सर से फीट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दैट इज माई ऑक्टोपस। याद रखना ऑक्टोपस इज बीन केप्ट अंडर अ क्लास ऑफ माई सेफेलोपोडा, और उसे सेफेलोपोडा में आपका यहाँ पे इसलिए रखा गया बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर कि सेफेलो मतलब सर, पोडा मतलब फीट, दैट व्हाट यू फाइंड इन देम। बोलिए अभिषेक आफ्ताब। सर मैं नहीं, मुस्कान। मुस्कान बताइए, मुस्कान बताइए। सर मैं कह रही थी कि जो स्नेल होते हैं वो पानी में इतने फास्ट फास्ट क्यों होते हैं? नहीं मैं फास्ट सेल लैंड पर पानी में करते हैं तो ना, ना, इट्स नॉट ओनली सेल व्हिच कम्स अंडर दिस ना, स्नेल इसी के इसमें नहीं आते इस बुक के अंदर। सो यू विल फाइंड ओशन के अंदर यू विल हैव सम लाइक सी माउस आपके यहां पे आ जाएगा, राइट, कटल फिश आपके यहां पे आ जाएगी, दे आर फास्ट, दे आर क्वाइट फास्ट ओवर देयर, राइट। स्नेल भी आपका लाइक स्पीड जो उसका होता है वो ठीक ठाक ही होता है अगर देखो तो आप, बट कंपेरेटिवली काफी स्लो होता है, जनरली देखा जाए तो काफी स्लो होता है, बट अदर मोलस्का विल बी क्वाइट फास्ट ओवर देयर, स्क्विड आपका हो गया, कटल फिश आपकी हो गई, ऑक्टोपस आपका हो गया, राइट, सो यू गेट टू सी ऑल ऑफ देम। मेरा प्लान है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ऑक्टोपस इन द अपकमिंग दो हफ्तों के अंदर, इफ आई हैपन टू गेट वन आई विल शो यू। अरिशा गुड इवनिंग, अरे शो यू मतलब घर पे नहीं लेके आऊंगा, घर पे नहीं लेके आऊंगा मैं, बट या हाँ अरिशा बताइए। सर मुझे पूछना था दैट जो ऑक्टोपस होता है वो डिफरेंट होता है ना लाइक कॉमनली मोलस्का जो हमें मिलते हैं उनसे? हाँ स्क्विड भी अलग होता है वैसे तो, बट दे विल कम अंडर द फाइलम मोलस्का ओनली। तो सर जो इसका विसरल हम्प होता है वो इसका हेड ही होता है क्या? हाँ तो अच्छा, सो जनरली वी से दैट दे विल बी हैविंग अ विसरल हम्प हेड एंड फुट, राइट। सो यहाँ पे आप वो टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे यू कैनॉट यूज अ टर्म लाइक इसका हम्प कहाँ पे और इसका यहाँ पे, फुट तो दिख रहा है आपके लेकिन आप हम्प यहाँ पे दिखा नहीं सकते, एट लीस्ट इन दिस पिक्चर यू कैनॉट सी द हम्प ओवर हियर, बट जनरली वॉट वी गेट टू सी ना मुस्कान दैट मेजोरिटी ऑफ द मोलस्कन्स विल हैव दिस थ्री रीजन्स, हेड, विसरल हम्प एंड द फुट, राइट, बट सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट। जैसे कि आप देख सकते हो आर्थ्रोपोडा के अंदर यू हैव हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, आपको सब में मिलता है, मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव दिस थ्री रीजन्स, बट देन यू हैव अ क्रस्टेशियंस वहां पर आपका हेड और आपका थोरैक्स जुड़ा हुआ होता है, सो देन यू हैव अ सेफेलोथोरैक्स ओवर देयर, यू कैन फाइंड सम चेंजेस, यू कैन फाइंड इन सम ऑफ द ग्रुप्स, वो आपको देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, यू कैन फाइंड दैट। कुछ आपके मोलस्कन्स होते हैं जिनके अंदर आपको इंटरनल स्केलेटन मिलता है, अब स्नेल में तो होता है आपका एक्सटर्नल स्केलेटन आपका होता है, बट सम मोलस्कन्स विल हैव द इंटरनल स्केलेटन, that can also happen, so you can find some differences can be seen over there. Arisha, Bala Arisha, kal wali class mein kyun nahi aaye the, kal wali class mein? So yesterday I was not well, I was having fever and all. All right, fever and all, all right, theek hai, okay, chaliye
इसको हम यहाँ पे देखते हैं. सो यू कैन सी द स्नेल्स ओवर हियर. ये है आपके अफ्रीकन स्नेल्स. कैलक्रेट शेल टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलेगी आपके यहाँ पे एंड ट्रिपल ब्लास्टिक. सो बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे जनरल फाइलम की जा रही है. जनरल फाइलम के यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे लिखी गई है. ठीक है. दे आर माइसिलोमेट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द मोलस्कस. यू हैव अ मेंटल विस्ट्रल हम्प. यू हैव अ मेंटल कैविटी. यू विल हैव मस्कुलर फुट. गिल्स रेड्यूला. रेड्यूला याद रखना माउथ पार्ट आपका यहाँ पे जहां से वो अपना खाना खाएगा. ठीक है. और मेंटल आपका वो एरिया जहां से आप बनाओगे अपने यहाँ पे शेल को बनाओगे. दिस इज अ पोर्शन फ्रॉम वेयर आई बी फाइंडिंग द शेल विल बी फॉर्म्ड. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ऑक्टोपस डेविल फिश पिंटाडा पर्ल ऑयस्टर दैट इज ऑल्सो मोलस्क. अभी देखो ना आपका पर्ल ऑयस्टर कितना अलग हो जाता है आपका यहाँ पे. हाउ डिफरेंट इट इज गोइंग टू बी. देन यू हैव अ सेपिया कटल फिश आपके यहाँ पे. तो बताइए सोलोनी क्या सवाल है आपका. सर ऑक्टोपस एग भी देता है क्या? ऑक्टोपस एग देता है. इट विल लेद एग्स. हाँ इंक देता है ना वो. लाइक जस्ट यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर कि पेन लेके आप जाओगे उसके पास. ऑलराइट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना इफ यू गो एंड हैपन टू हैंडल द ऑक्टोपस तो बेसिकली आपको करेगा क्या. इट विल रिलीज सम सब्सटेंस व्हिच इज नथिंग बट अ इंक. एक आपका कलरफुल इंक को रिलीज करता है जिसकी वजह से एक डायवर्जन क्रिएट होता है. यू आर नॉट एबल टू सी द ऑक्टोपस ओवर देयर. उतने वो भाग जाता है वहां से. सो यस दैट इज व्हाट इट डज टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम द पोटेंशियल प्रेडेटर. तो ऑक्टोपस ये करता है. सो जब आप ऑक्टोपस को पढ़ने के लिए आप वहां पे जाते हो देन इट विल सडनली रिलीज द इंक एंड गोइंग टू फाइंड इटसेल्फ मूविंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ. करता है वो ये करता है. यस सेपिया कटल फिश राइट. और याद रखना मेजोरिटी ऑफ द मोलस्कस आर डायशियस. मेल फीमेल आपके अलग होते हैं. कुछ आपको मिलेंगे एक्सेप्शन जो आपके हर्माफ्रोडाइट होंगे बट मेजोरिटी ऑफ देम आर विल बी डायशियस इन नेचर एंड दे विल शो द ओविपेरस. एग ले करने वाले आपको मिल जाते हैं. बेटा फिर तो चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं. एक बात आपको बताना चाहूंगा आप सबको कि जब तक मेरा हेमिकोडेटा खत्म होगा नहीं मैंने क्लास बंद नहीं करनी. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू. ऑक्टोपस के पास हाँ पहले बता रहा हूँ. फिर ये मत बोलना कि सर 11 बज गए जाने दो अभी ये सब नहीं चाहिए. ऑक्टोपस के पास सर एक से ज्यादा ब्रेन होता है क्या? राइट. नॉट वेरी श्योर अबाउट द ब्रेन पार्ट लव कुश बट डू हैव अ वेरी लिटिल ब्रेन ओवर देयर बट आई हैवंट हर्ड दैट दे हैव मोर देन वन ब्रेन. ऑक्टोपस हम यहाँ पे फालम सीखते ना हमें एक्चुअली ऑक्टोपस को वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑक्टोपस के लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनाटॉमी इट हैज एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज इट गेट्स बाय हैविंग सच काइंड ऑफ एनाटॉमी इन इट्स एनवायरमेंट. सो या अभी नहीं बता सकते बट या विल हैव टू सी दैट सेपरेटली. फिलहाल के लिए आप मुझे यहाँ पे बताओ कि द माउथ कंटेनिंग द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज नोन एज व्हाट. क्या होता है वो यहाँ पे? अच्छा हैंड रेस्ट कर दिया आपने. अरे रुक जा. अरे नहीं हैंड रेस्ट करना था बेटा -25 उसका अगले टेस्ट में से काट लेना. ओके बताइए हिमांशु क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? रेड्यूला. हिमांशु रेड्यूला इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. अब मुझे एक काम करिए मुझे बताइए हिमांशु कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ माय आर्थ्रोपोडा. हिमांशु बोलिए. सर बटरफ्लाइज. एक हो गया. दूसरा तो इंसेक्ट बताने बेटा आपको हिमांशु. उसमें भी आप ऐसे बोल रहे हो सिर्फ बटरफ्लाई. एंट ग्रास हॉपर कॉकरोच. ओके लेट्स डू वन थिंग. बुकलंग्स कहाँ मिलते हैं बताओ? अनम्यूट करके कोई भी बताओ इसका आंसर. बुकलंग्स मुझे कहाँ मिलेंगे? स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. हाँ जी स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आपको लेंगे. आपके यहाँ पे बुकलंग्स यहाँ पे क्या तुम लोग? ऑलराइट फ्लेम सेल. फ्लेम सेल मुझे कहाँ मिलेंगे बताओ जल्दी? मार्सिलियन ट्यूबुल्स मुझे कौन से क्लास में मिलेगा? विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड विल हैव द मार्सिलियन ट्यूबुल्स? सर इंसेक्ट. सर जो क्रैब्स वाली क्लास आर्थ्रोपोडा फाइलम इंसेक्ट जो क्लास इंसेक्ट
इंसेक्टा जब मैं क्लास कह रहा हूँ ना, सुनो मेरा, जब मैं क्लास कर रहा हूँ देन यू हैव टू टेल मी इंसेक्टा, और वहां पे क्रैब वाला क्लास नहीं आएगा, दैट इज माय क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के अंदर, हाँ, क्रस्टेशिया इज गोइंग टू बी हैविंग द ग्रीन ग्लैंड्स, वहां पे दे हैव द ग्रीन ग्लैंड्स, मालपिजन ट्यूबुल इज समथिंग यू विल फाइंड इन ऑल द इंसेक्ट। दिमाग में बिठा दो कि आपके घर के पास में जो कॉकरोच घूम रहा था, जिसको आपने चप्पल मारा आज से कुछ दिनों पहले, दैट वॉज हैविंग मालपिजन ट्यूबुल्स, दिमाग में उठा दो ये चीज, एंड ऑल द इंसेक्ट्स विल बी हैविंग द मालपिजन ट्यूबुल्स। All the aquatic crustaceans will be having the green glands. Chalo, let's start with my Echinodermata. So let's see the story of my Echinodermata. Isko hum yahan pe dekhte hain. So jab bhi aap baat karte ho something in terms of your Echinodermata, pehli cheez yaad rakhna, iska matlab yahan pe kya hota hai? Echino matlab spiny. Echino matlab spines. Dermata matlab skin. Basically, it means spiny skin. ठीक है, सो अगर आपको भी स्टारफिश को देखते हो, उसके ऊपर लाइक स्पाइंस लगे हुए आपको मिलेंगे उसके बॉडी के ऊपर, यू कैन वेरी क्लियर सी दिस ऑल द स्पाइंस, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय एकानोडर्मेटा। स्टारफिश ले लो या सी अर्चिन ले लो, ऑल ऑफ देम विल हैव दिस स्पाइंस ऑन देयर स्किन, एंड दिस इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर अ कैटेगरी ऑफ माय एकानोडर्मेटा। याद रखना, एकानोडर्मेटा आपका हमेशा होगा आपका मराइन, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, दे आर ऑल गोइंग टू मराइन, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, सो दे आर गोइंग टू बी ऑल मराइन। ठीक है, तो सारे सारे आपके यहाँ पे मराइन होते हैं। द सेकंड थिंग यू हैव टू नो हियर इज, सो दे आर गोइंग टू बी ऑल मराइन, लाइक और कहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। एकानोडर्मेटा आर द वन, एक स्पेशल ट्रेट याद रखना, दैट दे विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज, सो इनके पास मिलेगी बायलैटरल सिमेट्री, but that will be seen in the larval stage pe jaise hi animal aapka adult ban jata hai, as soon as this becomes animal becomes adult, right, so it will have a radial symmetry, so it'll have a radial symmetry, so radial symmetry is something we'll find in the adult form, एडल्ट स्टेज के अंदर यू हैव अ रेडियल सिमेट्री। तो याद रखना, ये चेंज होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज के अंदर, आपका सिमेट्री आपका पे चेंज हो जाएगा। ठीक है अरिशा बेटा, रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, पांच मिनट रुक जाओ। सो यू हैव अ बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज एंड द रेडियल सिमेट्री विल फाइंड इन द एडल्ट स्टेज के अंदर, आपको मिलेगा यहां पे देखने के लिए। ऑल आर गोइंग टू बी मराइन, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू बी सिलोमेट्स, दीस आर लाइक वेरी सिंपल थिंग्स, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सिलोमेट्स ओवर हियर। यू शुड नो दैट दे विल ऑल्सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे भी आपको मिलेगा आपको यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ओपन टाइप ऑफ माय सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। इसके अलावा याद रखना, दे विल हैव complete GI tract, so आपका GI tract आपका यहाँ पे complete होगा, so we'll have a complete gastrointestinal tract, right? एक बात यहाँ पे याद रखना कि इनका जो mouth होता है that is on the ventral side. अगर आप starfish को अगर आपको भी देखते हो ऊपर से, तो उसका mouth नीचे होता है, और ऊपर के side पे they will be having the anus, so mouth is on the ventral side. Mouth आपका यहाँ पे होगा ventral side पे, एंड एनस यहाँ पे होता है आपका डॉर्सल साइड पे, विल बी ऑन द डॉर्सल साइड। ये बात आपने भूली नहीं है कि माउथ और वेंट्रल साइड पे आपको यहाँ पे होगा और एनस विल बी ऑन द डॉर्सल साइड। आई होप डॉर्सल एंड वेंट्रल को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या होता है डॉर्सल क्या होता है वेंट्रल आपको मालूम होना चाहिए। जो पेट वाला आपका बड़ा दैट्स अ वेंट्रल साइड, द बैक साइड यू हैव इज योर डॉर्सल साइड, याद रखना हमेशा। So you have a mouth on the ventral side and anus on the dorsal side. This is something you have to know in this. Ab isme ek important trait ek aur yaad rakhna, they will show something called as my water vascular system. Jisko hum even bolte hain as a ambulacral system,
एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम इज नथिंग बट माय वाटर वास्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, इसको हम लिखेंगे आप ऐसे वाटर वास्कुलर वास्कुलर सिस्टम। अब क्या होता है एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे होता क्या है? तो आपको याद रखना है कि आपके स्टारफिश के अंदर जैसे आपका पॉरीफेरा था, इसके अंदर भी पानी आपका एंटर करेगा। सो विल फाइंड आपके वेंट्रल साइड से आपका पानी यहाँ पे एंटर करता है एंड दिस वाटर विल फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, और उसके बाद आपका पानी आपका यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। राइट, नाउ वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट कि पानी आपका कहाँ से अंदर जा रहा है कहाँ से बाहर निकल रहा है, बट इतना याद रखना कि यहाँ पे आपके पानी का एंटर होना और बाहर निकलना की वजह से यू कैन डू द एक्सक्रीशन इन दिस काइंड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन करने के लिए ये चीज का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। सो यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट वाटर विल गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड यूजिंग दिस विल फाइंड दैट एक्सक्रीशन कैन बी डन वेरी इजीली ओवर हियर। इसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर रेस्पिरेशन एज वेल, ये रेस्पिरेशन के लिए भी आपके यहाँ पे मदद करता है। सो एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम आपको याद रखना है, दिस इज नथिंग बट माई वाटर वास्कुलर सिस्टम। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर आपको पानी का इनफ्लो होते हुए मिलेगा और वाटर विल गेट इन साइड द बॉडी ऑफ द योर एकनोडर्म्स एंड इट विल ऑल्सो कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन एज वेल। सो दिस इज वॉट यू फाइंड इन माई एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम। अब एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम जो आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है आपका यहाँ पे, इसकी हेल्प से इवन आपको मदद मिलती है इन टर्म्स ऑफ लोकोमोशन। तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप कभी स्टारफिश को ऑब्जर्व करते हो, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व स्टारफिश, जो आपको बाद में पिक्चर में दिखा दूंगा, स्टारफिश इज नोन टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्यूब फीड, दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर ट्यूब फीड। अब क्योंकि स्टारफिश के पास ट्यूब फीड होते हैं, सो दिस ट्यूब फीड्स हैव बीन यूज्ड फॉर माय लोकोमोशन, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है लोकोमोशन के लिए। अब ट्यूब फीड का इस्तेमाल करा जा सकता है लोकोमोशन के लिए और इनके अंदर भी पानी भरता है। सो आपके एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम की वजह से व्हाट विल हैपन, द वाटर विल गेट इनसाइड अ ट्यूब फीड और उसके बाद अपना ट्यूब फीड का इस्तेमाल करके आपका स्टारफिश धीरे धीरे करके आपका आगे बढ़ सकता है या पीछे जा सकता है। सो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ट्यूब विल हैव समथिंग लाइक अ ट्यूब फीड विच कैन बी यूज फॉर माय विच विल बी यूज फॉर योर लोकोमोशन के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सो आपके सामने एम्ब्रियोलैक्रल सिस्टम जब भी आपके सामने आएगा, you should know that this belongs to my echinodermata, ये trait मेरा हमेशा belong करेगा मेरे echinodermata को और किसी को belong नहीं करता ये, right? इसको even हम कहते हैं, ये term आपको इसके साथ ही आएगा आपको यहाँ पे, जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a water vascular system, we also call it as a water vascular system, पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर जाने के वजह से this inflow of water will also help in the excretion of things and along with that this inflow of water will also help in the movement, even आपका हेल्प करता है आपके लोकोमोशन के लिए भी आपके हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब फीड, यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नाउ टेल अस अरिशा, क्या सवाल है आपका बताइए। सो हाउ इट हेल्प्स इन लोकोमोशन? सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन इन अ सिंपल टर्म्स यू कैन सी लाइक दिस, इफ यू फाइंड वाटर गेटिंग इनसाइड द बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर अर्थवर्म, अर्थवर्म विल हैव अ फ्लूइड इनसाइड इट्स बॉडी, इट हैज अ फ्लूइड, इट हैज सम longitudinal and your circular muscles. अगर आप कभी देखोगे ना, जब अर्थवर्म आपका चल रहा होता है, so you feel like उसके अंदर एक fluid होता है जो move कर रहा होता है. If you see the earthworm moving on the soil, ना, you will feel like there is a fluid inside the earthworm which is also moving along with the movement of the earthworm. That fluid is going to help in the movement. Similarly, जब आपके यहाँ पे fluid आपका अंदर यहाँ पे जा रहा है, in the same way you will find this using the embryolacral system, the water vascular system, when the water gets inside this particular starfish or some other echinoderms, that actually helps in the movement over there. वहाँ पे एक आपका एक अलग टाइप का hydrostatic pressure वहाँ पे create करेगा, ये आपका fluid, that's your water, and because of that you can find this will eventually help in the movement over there. So you find that happening. Even आपने भी एक चीज कई बार like you must have seen it's many organisms as well moving in water, it becomes quite easier for them to move in water when you have this kind of system. तो ये बात याद रखनी है रिशा, so that is how you will find happening in your echinoderms movement of water. ओके सर, और सर इसमें ऐसा कुछ भी होता है कि लाइक स्टारफिश जब मूव कर रही है तो वाटर का प्रेशर पड़ रहा है तो उनके स्पाइन जो भी अंदर है वो बाहर आ रहा है और उसके ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, आपके डॉर्सल साइड पे जो आपके स्पाइन होते हैं वो आपको तो आपके वैसे के वैसे रहते हैं, ट्यूब फीड के अंदर यू विल हैव सम अपर्चर्स व्हिच विल शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट ओवर देयर, बाकी डॉर्सल साइड पे जो आपके स्पाइन है ना, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ओवर देयर, वो तो आपके वैसे के वैसे रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है ना लोकोमोशन पे लेके, लोकोमोशन के लिए तो आप यहाँ पे ट्यूब फीड का इस्तेमाल कर रहे हो, सो दैट वोंट हैव इंपैक्ट ऑन देम। ठीक है, सो स्पाइंस विल बी द वे दे आर, राइट? ओके सर। अच्छा, अभी इसमें आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, रुक जाओ, यू विल फाइंड इन दिस यू हैव सम एग्जांपल लाइक माय एक्निडा,
right? Sorry, echinus. That's a sea urchin. Now, sea urchin, you can very clearly see it has like spines on them. ये मतलब piercing करता है आपके body को. It will make you bleed like anything. So you can see the spines on them, right? Now let's see some of the other traits over here. Organ system level of organization. Adults will have radial symmetry. Larva will have a bilateral symmetry. Coelomates, triploblastic. These are some of the general traits you will find in them, right? Anus will be on the dorsal side. आप देखो यहाँ पे anus आपके यहाँ पे dorsal side पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे और ventral side पे you will be having the your mouth part. So ventral side will have the mouth part. So ये एक thing है जो आपके याद रखनी है. Digestive system आपको यहाँ पे complete मिल जाएगा. You will find this group will have always have a digestive system being complete. Starfish you can see over here. You can see the sea cucumber. Sexes are separate. Reproduction is asexual over here. मेल फीमेल आपको मिल जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटरनल. अच्छा आपको इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ आता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस इन दैट? कैन यू टेल अ डिफरेंस? एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी द एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बोलिए रिया, टेल अस. सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में. कैसे होता है? एक्सटर्नल में होता क्या है? सर एक्सटर्नल में जो मेल होता है वो अपने स्पर्म रिलीज करता है और जो फीमेल होती है वो स्पर्म के ऊपर अपने एग रिलीज करके आउटसाइड द बॉडी फीमेल के फर्टिलाइजेशन क्रिएट होता है. राइट राइट, दैट इज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. वेरी ट्रू. सो योर स्पर्म्स एंड गैमेट्स आर रिलीज इनटू द वाटर बॉडी, राइट? और वहां पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, दैट इज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, देन व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, दैट योर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हुए आपको मिल जाता है यहां पे. सो आई वाज सी क्यूकंबर, सी स्टार, स्टार फिश आर द एग्जांपल इन दिस. डेवलपमेंट याद रखना हमेशा आपको इनडायरेक्ट होगा. डेवलपमेंट इसके अंदर आपको हमेशा इनडायरेक्ट होगा. यू विल हैव अ लार्वल स्टेज, यू विल ऑलवेज हैव अ लार्वल स्टेज इन दिस एंड दिस विल बी अ फ्री स्विंग लार्वल स्टेज आपको यहां पे मिल जाएगा. बताइए पहले आफ्ताब, आप बताइए फिर मुस्कान हम आपका सवाल लेंगे. बताइए सर वेक्टर्स क्या होते हैं? इसमें है वेक्टर्स कहीं पे लिखा हुआ? यस सर, एनसीईआरटी में है लिखा हुआ सर. स्टेटमेंट क्या बताओ? सर वेक्टर्स में लिखा हुआ है एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस. बट दैट इज समथिंग यू फाइंड इन द दिस थिंग ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर. यस सर. हां, सो यू कैन आस्क आफ्टर द पोर्शन गेट्स कंप्लीट, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन अगेन. ओके सर. हाँ, मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर मेरे को एक डाउट था कि आपने लिखवाया था ना कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो हमारा एकाइनोडर्मेटा होता है वो मतलब बाकियों से देखा जाए तो एडवांस्ड फाइलम होता है. तो एडवांस जैसे जाते जाते हैं तो फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए. एडवांस तो बेटा आपका ये भी होता है ना, यू आल्सो मोलस्कंस बीइंग एडवांस ओवर देयर, दे आर आल्सो एडवांस इन देम. सो इट डजंट हैव टू बी दैट वे ऑल द टाइम. ये हमेशा आपको उस तरीके से नहीं हो सकता. आप ये देखो ना, नॉलेज सी ओवर हियर, अर्थ फॉर्म आपका काफी पहले आता है. अर्थ फॉर्म इज नॉट दैट एडवांस, इट हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्थ्रोपोडा इज मच मोर एडवांस देन द अर्थ फॉर्म. क्या है उसके अंदर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दैट लीनिएज विल नॉट गेट फॉलोड ऑल द टाइम, वो लीनिएज आपको हमेशा वहां पर फॉलो नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो याद रखना दिस इज समथिंग विच डजंट होल्ड टू ऑलवेज. हर्षित बताओ क्या सवाल है आपके यहाँ पे? सर फिर एडवांस किन फैक्टर्स को देख के बोला जाता है? योर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट्स वेदर द मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर हर्मेफ्रोडाइट और सेपरेट सेक्सेस, दैट्स व्हाट यू फाइंड गेट टू सी ओवर देयर. डू यू हैव अ लार्वल स्टेज? डज ऑल द ग्रुप्स हैव अ लार्वल स्टेज? डू दे हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? तो ये कुछ आपके यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं. These are the traits you will get to see on the basis of them. We've said, यार ये मेरा advanced है, मेरा primitive है. So इसमें organ system level आपका काफी यहाँ पे role play करता है. आप observe करते हो कि मेरा nervous system मेरे starfish में कैसा है और मेरा earthworm में कैसा है. That becomes one of the factor. I will see that what kind of GI tract I have in cockroach and what kind of GI tract I will have in your esclamentus. That becomes a factor. तो ये सारे चीजों को आप देखते हो यहाँ पे and then on the basis of that we'll say that these are much more advanced trait. अब एडवांस ट्रेट जब मैं यहाँ पे कहता हूँ ना, दैट ऑल्सो मीन्स कि ये जो ट्रेट्स हैं आपके पास, तीन चार ट्रेट्स हैं आपके पास, इनके वजह से द एनिमल इज बीन एबल टू अडैप्ट
and been able to expand itself in a new habitat. So that also becomes a criteria for my having an advanced trait. So jaise ki, for example, let's say I talk about my angiosperms. So I say advanced plant. Why advanced plant? Because they have been able to adapt to different habitats. Spread ho paaye hain habitat ke andar, they are able to occupy, grow, thrive in different habitats. Why? Because they have some traits over there, and that's why they are able to do that. Similarly, आप इसमें ट्रेड्स आप देखते हो कौन से ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे एंड डू दोस ट्रेड्स हैव सम सिलेक्टिव एडवांटेज इन देयर एनवायरनमेंट तो इनको आप यहाँ पे लेते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हर्षित हम कहते हैं कि एडवांस या प्रिमिटिव है सो एट टाइम्स यू कैन फाइंड अ प्रिमिटिव ग्रुप माइट हैव अ एडवांस ट्रेड बट बाद में आपको नहीं दिख रहा यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग और फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल ओवर हियर कि इनिशियली दे विल हैव अ क्लोज सर्कुलर सिस्टम बट वो बहुत पहले आते हैं बाकी कई सारे ग्रुप उसके बाद में आते हैं सो जो बाकी ग्रुप उसके अंदर आ रहे हैं they have a better kind of organ system organization and they are able to occupy a much amount of landscape on the planet Earth compared to that particular group. Samjha meri baat Harshit? Yes, sir. Okay. Digestive system in echinoderms will be what? वैसे ही बता दो हम लोग करके इसका अंतर यहाँ पे क्या होगा? Complete digestive system. Complete. Digestive system. Complete GI tract. हाँ जी हो गया. Slight change हो गई. Right, so this is what you find in them. This is something we have discussed. Yes, what we have discussed. You can see the example. Please try to go through example. Example, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका आपका यहाँ पे कि example को लिखो और अपने slide में आप चिपका दो. अगर आपका खुद का study table है, then do that. Study table नहीं है, कोई बात नहीं. दरवाजे पे चिपका दो. Write all the example and in a very good handwriting. Color कर दो उसे वहाँ पे बढ़िया तरीके से और उसे आप मज़ा लगा दो. Just go through them every now and then. वो आपके दिमाग में imprint हो जाएगा. Right? That's how it works. When you see certain things multiple times, तुम्हें याद हो जाती है. अभी तुम्हें कोई पूछे कि ऋषभ पंत का जर्सी नंबर क्या होता है तो तुम याद नहीं करते उसका जर्सी नंबर की उसका जर्सी नंबर 17 है तुम याद नहीं करते हैं वो तुम्हारे सामने इतना एक बार आ चुका होता है that it gets imprinted in your head. Same thing will happen over here as well, right? So you'll have your pila, apple snail, pink tar duck, pearl oyster, sepia, loligo, octopus, right? These are all examples of my particular group of my mollusca. Then you have the echinodermata यहाँ पे, which I already discussed. So water vascular system याद रखना, जिसे हम even कह रहे हैं embryolacral system भी हम इसे यहाँ पे बोलेंगे, which helps in my locomotion, capture and transport of food and in respiration as well. So respiration, transport of food, capture करने के लिए and even for locomotion, it is going to be helpful for us. So पानी अंदर आ रहा है इसके अंदर, तो पानी के साथ साथ आपके काफी चीज़ आपके यहाँ पे आ जाती है, so you can also capture the food along with that. Okay. So that is something you have to know. This is what you find in my these two groups. अब हमारा चालू करने का नया ग्रुप, उसके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. हैंड रेस करना. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia. उनका काम यहाँ पे क्या होता है? बोलिए पूर्वा, क्या होगा क्वेश्चन वन का आंसर यहाँ पे? Sir, locomotion. Yes, swimming. पूर्वा, अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपके एनिलिडा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करते हैं. बताइए. Yes, sir. सवाल यहाँ पे ये है that in the annelida for excretion, what kind of organ or structure I'll be using over there? Nephridia. Very good. So nephridia have been used for excretion in the annelids. Very true. बढ़िया. Okay, अगला सवाल सब लोगों से. The phylum which possess jointed appendages. Simple सी बात है. यहाँ पे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. इसके अंदर और सवाल आएंगे. तो hand raise. रवीना सर ऑप्शन हाँ दैट्स ट्रू. चलो ये तो आप यहाँ पे सही आ गया. नाउ रवीना टेल अस समथिंग. इन आर्थ्रोपोड्स यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माय एक्सक्रीटरी सिस्टम. मुझे बताओ कौन सा होता है मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन माय कॉकरोच. सर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है. देन कौन सा होता है मेरा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द क्रैब. ठीक है. और ब्रीदिंग करने के लिए आपके स्पाइडर्स के पास क्या होगा. सर बुक लंग्स. ठीक है. बाकी लोगों से मेरा आपको एक दूसरा सवाल है. जब हम बात करते हैं यहाँ पे एकानोडर्म्स के बारे में, क्या मुझे एकानोडर्म्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मिल सकते हैं. गिव मी एग्जांपल. बताओ हर्षित बोलो. सर
क्या सर? सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आपके एक्वेरियम्स आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मिल सकते हैं? सर मरीन वाटर में मिलते हैं ना। पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहा हूँ सर, मरीन वाटर में मिलेंगे आपको यहाँ पे, दे विल नेवर फाइंड इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, राइट। चलो, एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड टेक्स प्लेस थ्रू, नाउ दैट इज समथिंग वी हैव डन, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, दैट्स अ मार्जिनल ट्यूबुल्स, ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके, हाँ हाँ बेटा, चलो बोलो बेटा, बोलो बोलो first, क्या हो गया सर? फर्स्ट का आंसर स्विमिंग नहीं आएगा, लोकोमोशन। यस सर। ओह या, राइट 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 राइट, या स्विमिंग, स्विमिंग, या स्विमिंग, आई हैवंट सीन द ऑप्शन, ट्रू। या डिडंट सॉ दैट ऑप्शन। नरिस के अंदर ये स्विम करने के लिए मदद करता है आपका, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द स्विमिंग के लिए, क्योंकि नरिस आपका यहाँ पे रहेगा, आपका एक्वेटिक एंड विल बी स्विमिंग ऑल द वे इन द ओशन हैप्पीली लिविंग। ओके, नाउ The phylum in which body is covered by a calcareous shell and is unsegmented and distinct head, muscular foot and visceral hump is seen. ये कौन से phylum की हमें बात की जा रही है? Question number 4 के अंदर कौन से phylum की बात की जा रही है? चलिए hand raise करिए इसके लिए। All of you should raise your hand and tell me what can be the potential answer in this. बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर मोलस्क। Example दे दो बेटा, दो example मुझे दे दो मोलस्क के। सर snails। और ऑक्टोपस। ठीक है, एनीवन एल्स विद एनी टू एग्जांपल्स? लव कुश बताओ, कुछ एग्जांपल बता दो, बताओगे सर? किसके? नहीं ये मोलस्का के एग्जांपल्स। अरे पीला है सर। नहीं, अरे नहीं, पर्ल ऑयस्टर बोल सकते हो बेटा, पर्ल ऑयस्टर आप बोल सकते हो, यू कैन सी एग्जांपल लाइक योर। ऐसी बोल दो अनम्यूट करके, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 बायलेटरल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज माय, चलो एक और बार यहां पे हम ये क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माय कॉर्डेटा। ओके, वी हैव टू डू हेमिकॉर्डेटा ओवर हियर, वी हैव स्ट्रेट ऑन इट, वी हैव मिस्ड आउट द स्लाइड फॉर, अरे ये रहा मेरा स्लाइड, यस। Let's start with my hemichordata. So, चलिए फटाफट start करते हैं, what is happening in the hemichordata? इसको हमें यहाँ पे खत्म करना है, and we have to solve some questions also. So, let's talk about my hemichordata. अब hemichordata की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, first of all you have to know कि ये belong करते in the phylum of my non-chordates. पहले पता है लोगों ने क्या सोचा था कि hemichordata को हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे. They decided कि ये hemichordata will come under the phylum chordata के अंदर, एक सब phylum बनाएंगे और उसको हम उसके अंदर रखेंगे. बट बाद में लोगों को पता चला कि नहीं यार, इसको वहां पे रखा नहीं जा सकता, इट हैज टू बी केप्ट इनटू द नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स, सो दे बिलोंग टू, दे आर केप्ट अंडर, दे विल बी केप्ट अंडर नॉन कॉर्डेट्स, याद रखना, दे आर केप्ट अंडर योर नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेटा, ऑल आर गोइंग टू बी मराइन, सारे के सारे आपके यहाँ मराइन होते हैं, ऑल ऑफ देम आर बर्रोइंग एनिमल्स, सारे के सारे यहाँ पे बरोइंग करने वाले होते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी आवर बरोइंग स्पीशीज, बरो करके वो लोग वहां पे रहते हैं, बरो के अंदर। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू योर योर प्रोबोसिस, यू विल हैव योर सिस कॉलर एंड ट्रंक, इन तीन पार्ट्स के अंदर आप बॉडी को यहाँ पे आप डिवाइड करते हो। पानी में रह रहे मराइन है बिल्कुल, यहाँ पे सो दे विल हैव अ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, सो दे विल ऑलवेज हैव अ गिल्स, सो वी विल फाइंड गेट टू हैव योर गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। You should know them that my hemichordata will be having something called as my proboscis gland.
आपको यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड, विल हैव योर प्रोबोसिस ग्लैंड एंड दिस प्रोबोसिस ग्लैंड विल हैव अ रोल ऑफ एक्सक्रीशन, दिस विल हैव अ रोल ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, सो आपको ये बात आपको यहाँ पे रखनी है दैट हेमिकॉर्डेट विल बी केप्ट अंडर द नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स, दे विल बी मराइन, दे आर ऑल माय बरोइंग स्पीशीज, राइट, सारे बरो करके यहाँ पे रह रहे होते हैं आपके यहाँ पे. द बॉडी इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीन पार्ट्स ना बॉडी को आप यहाँ पे डिवाइड करते हो. दीज आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, इन तीन पार्ट्स ना बॉडी को आप डिवाइड करते हो. गिल्स आर देयर फॉर माय रेस्पिरेशन एंड दे विल हैव अ स्पेसिफिक ग्लैंड आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज योर प्रोबोसिस ग्लैंड. So, process gland आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, which has been going the role of my excretion. बाकी सारे traits आपके यहाँ पे common रहेंगे. The sexes are going to remain the separates. They will have a GI tract, coelomate आपका यहाँ पे होता है. Triploblastic आपका रहेगा, because it's a advanced group. Okay. Now, instead of notochord, they have a different kind of cord over there. Stoma cord. Instead of notochord, they have a different kind of cord called as my stoma cord. एक अलग ही टाइप का आपको नर्व कॉर्ड आपको मिलता है आपको यहाँ पे, जो नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्टोमा कॉर्ड, दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इन देम. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ट्रेट्स इन देम. इट वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बट हमने फिर से बाहर निकाल लिया वहां से, एंड नाउ इट इज बीन प्लेस्ड अंडर द नॉन कॉर्डेटा. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीन पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हो. एग्जाम्पल आपके सामने है आपका बेलेनोग्लॉसिस, बेलेनोग्लॉसिस, सेकोग्लॉसिस आर द एग्जाम्पल इन दिस, राइट. मराइन होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, एंड दे विल हैव ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ये सब आप यहाँ पे जानते हो. दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी अ कंसर्न फॉर यू बाय एनी मींस. ठीक है, नाउ दे आर स्लोमेट एनिमल्स एंड दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक. स्लोमेट आपके होते हैं और ये आपके इवन होते हैं आपके यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक. सेकोग्लॉसिस आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकोग्लॉसिस इज एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. यू हैव प्रोबोसिस ग्लैंड एंड इस ग्लैंड की मदद से आप करते हो अपना यहाँ पे अपना एक्सक्रीशन. दिस इज वॉट द ग्लैंड इज गोइंग टू बी नोन फॉर. They will have open circulatory system. Again, आप यहाँ पे देख सकते हो that even though this group initially was thought to be kept under the subphylum of my chordata, circulatory system इसका open ही है. ठीक है, sexes are separate and fertilization आपको यहाँ पे internal होते हुए मिल जाएगा. So this is what we'll be finding in this. So sexes आपके यहाँ पे separate हो जाएंगे and the fertilization will be happening internally. So these are the things you have to know in terms of my particular hemichordata. इतने सारे points अगर आप याद रख सकते हो, that's enough for you. इसमें आपको और ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी. एग्जाम्पल आपके सिर्फ यहाँ पे दो ही है, सेकोग्लॉसिस एंड बेलेनोग्लॉसिस. बताइए रिया, बोलिए बोलिए रिया, बताइए. सर एनसीईआरटी में तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा है. लेट मी हैव लुक एट दैट. आपकी नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी है. पुरानी सर, न्यू एनसीईआरटी में भी Let me have a check on that. So that is what you find in them. These are the examples we'll get to see. These are the traits you have to know. And yes, we can have a look at that. It might be, yeah, error ho sakta aapka. Agar yahan pe agar error nahi bhi hai na, agar inside you mention kar raha hai, then we have to go for external one. In that case, we have to keep it like external. Irrespective of anything and everything, agar inside you mention karta hai koi cheez ko, hum usse wahan pe follow karenge hamesha. Theek hai? So this is something we have done in this. Ek baar fir aap yahan pe starting ke yahan pe kuch points aap yahan pe yaad rakhna. ये सब ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स ओवर हियर. केप्ट अंडर नॉन कॉर्डेट्स आर गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, प्रोसेस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन, स्टोमा कॉर्ड आपको मिलेगा इंस्टेड ऑफ अ नोटोकॉर्ड, दैट विल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में आप इसे यहाँ पे डिवाइड करते हो. बरोइंग स्पीशीज आपको मिलेगी आपके यहाँ पे. मराइन, दीज आर द मेन ट्रेट्स यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, एंड एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दो ही आएंगे. एंड याद रखना, अगर आपको कभी ये मेंशन करा जा रहा है कि इट इज बीन केप्ट अंडर द सब फाइलम ऑफ माय कॉर्डेटा, The answer is no. You will kept under the notochords. इसको आप notochords के अंदर ही आप यहाँ पे रखोगे. You will never keep them under the
सब फालम ऑफ माई कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, सो दिस इज माई हेमी कॉर्डेटा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, फटाफट कॉर्डेटा के हम यहाँ पे ट्रेड्स देख लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। आई विल टेक योर क्वेश्चंस अरिशा आफ्ताब, मैं आपके सवाल लेता हूँ, लेकिन हम पहले एक चीज यहाँ पे खत्म कर लेते हैं बिकॉज वी हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर टेकिंग क्वेश्चंस। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द कॉर्डेट्स ओवर हियर। सो यू हैव फोर ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सही आ जाएगा इसके अंदर? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसके अंदर सही आंसर? सर ऑप्शन ए, रोबोसिस ग्लैंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा को आप हमें डिवाइड करते हो, डिवाइड इनटू प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इन दो ग्रुप्स में आप ऐसे यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, सो प्रोटो इज गोइंग टू बी मीन सिंपली आपके यहाँ पे, मतलब आपके यहाँ पे जाएगा आपका प्रिमिटिव। This is my primitive chordates. So protochordata will be having two groups. You have a eurochordata and you have a cephalochordata. अब ये दो ग्रुप को आपको यहाँ पे स्टडी करना है सेपरेटली, राइट? बिकॉज दीज आर लाइक टू इम्पोर्टेंट ग्रुप्स फॉर यू। वर्टिब्रेटा तो आप अलग से देखते ही हो, वर्टिब्रेटा तो इट विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस इन दैट। सो वर्टिब्रेटा विल बी हैविंग द वर्टिबल कॉलम, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होगा आपको यहाँ पे, यू नो दिस थिंग पहले से, दैट योर नोटोकॉर्ड will convert into my vertebral column. Will convert into my vertebral column. आपके यहाँ पे convert हो जाएगा. The same thing you don't find that happening in my these groups. These groups के अंदर आपको ये होते हुए नहीं मिलता. So let's do one thing. Let's first of all complete my eurochordata. उतना कर लेता हूँ यहाँ पे. Let's see the traits of chordates, and then we'll wrap things up. So पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके chordates क्या, आपके traits क्या होते हैं. So chordates चाहे वो कोई भी हो, whether you have any chordates. चाहे वो प्रोटोकॉर्डेटा हो चाहे वो आपका वर्टिब्रेटा हो, यू विल ऑलवेज फाइंड सम ट्रेट्स इन देम, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड जो आपके यहाँ पे होती है आपको याद रखना है, ये आपको मिलेगी कहाँ पे? सो इट इज सीन बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में। तो ये जो येलो कलर का जो आपको एरिया आपका यहाँ पे, दैट इज द नर्व कॉर्ड, ये है आपका यहाँ पे नर्व कॉर्ड। आपके नर्व कॉर्ड और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द माउथ पार्ट। तो यहाँ पे आपका जीआई ट्रैक हो गया, ये आपका माउथ हो गया, यहाँ पे आपका एनस हो गया। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे नोटोकॉर्ड, बिटवीन देम यू विल फाइंड द नोटोकॉर्ड विल बी सीन, राइट? बायलेटरल सिमेट्रिकल, दैट्स समथिंग दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्रिपल ब्लास्टिक सिलोमेट, ये तो आपको वहां पर रह गई, दीज आर द थिंग्स विल गेट टू सी ओवर देयर। हाँ, ये याद रखना। So point number one, the important point is a presence of notochord. That's one important point. Second important point here is going to be your presence of your nerve cord. Beta, pooch lo. Pehle aap apne sawal pooch lo yahan pe. Ruk jao, beta. Yeah. Starting with the Himanshi. Pehle bataiye kya sawal hai aapka? No sir, wo batane ke liye pehle se. Acha acha acha. Bataiye Risha, bataiye kya sawal hai aapka? So I was asking that what is the function of stoma cord in hemiotic cordates? Okay, let's do one thing. I will tell you the comparative anatomy of a stoma cord once we understand certain traits of the vertebrata. Let's do that. I will get into the vertebrata, right? I will tell you what is the initial role of notochord in the larval stage, right? And then we'll jump onto the stoma cord, and then we'll make you understand ki kaise wo dono roles aapke yahan pe same ho jate hain. How you find stoma cord and notochord will have some kind of similar roles over there. ठीक है? So let's do that thing first, and okay, then sir. You will have some kind of comparative anatomy कि आपका उसके अंदर आपका similarity differences आपके यहाँ पे क्या आते हैं. Let's take it as a stoma cord is a some kind of a different structure which is not a notochord for sure. ठीक है? So we'll हम इसको यहाँ पे हम सीखेंगे कि इनका larval stage पे क्या role होता है, and then we'll come back and we'll see कि why that thing is not called as a notochord और उसको हमने वहाँ पे क्यों stoma cord वहाँ पे बोला होगा. So we'll see that, right? ठीक है, सो देन यू हैव ओवर हियर माउथ ट्रिप्लोब्लास्ट, ये सब आपके ट्रेड्स, दे आर लाइक नॉट सो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ योर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे द फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये आपके आएंगे। दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन ऑल द कॉर्डेट्स, चाहे आप बर्ड्स की बात करो उनके लार्वल स्टेज में आपको मिलेगा ये देखने के लिए, रेप्टाइल्स की बात करो, आप किसी की भी कॉर्डेट्स की बात करो, ऑल ऑफ देम विल हैव द फेरिंजियल गिल स्लिट्स ओवर देयर, राइट? एंड देन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी योर नोटोकॉर्ड, तो हमने यहाँ पे देख लिया।
प्रेजेंट डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अच्छा याद रखना डॉर्सल हॉलो जो नर्व कॉर्ड आपका होता है ना, इन फ्यूचर इन ह्यूमन बीइंग्स इन वर्टिब्रेटा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय नर्वस सिस्टम। डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो आपका यहाँ पे होगा इन फ्यूचर विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो नोडोकॉर्ड आपका यहाँ पे होता है दैट विल टर्न इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज समथिंग इन एडल्ट फॉर्म विल टर्न इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इन सब के अलावा देयर इज वन मोर ट्रेट विच यू विल फाइंड इन ऑल द कॉर्डेट्स दैट इज योर पोस्ट एनल टेल, ये मत बोलना। सो आई वुड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको कभी नहीं भूलना है। These are the four important traits you will always find in the chordates. बाकी सब तो ऐसे जो आपको बाकी ग्रुप में भी आपको मिल जाते हैं, बट ये चार ट्रेट्स आपको क्लियरली याद रखना है। Presence of notochord, presence of nerve cord, pharyngeal gill slits and post anal tail. Post anal tail आपको हर एक ग्रुप में देखने के लिए आपको मिलती है। अच्छा मुझे बताओ कुछ एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको टेल नहीं मिलती देखने के लिए, जो आपके वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। Give the example of animals which will not have a tail and they come under the vertebrata. Human beings. ठीक है, humans हो गया. Anyone else? Chimpanzee भी हो गया, बढ़िया. ठीक है, that's an ape. And anyone else? Anything else? Sir, frog. Right. Frog. Frog will never have a tail. But बड़ा interesting बात क्या होती है? Frog के tadpole में आपको tail मिल जाएगी. Frog के tadpole के अंदर आपको tail दिख जाती है. Yes, sir. If you just see a tadpole, it will have the tail. आपको भी है ना, आपको कभी अगर मौका मिले ना, you should see the metamorphosis in front of you happening. अगर कभी आप metamorphosis अगर आप देखोगे ना, तो पता है क्या होता है tadpole के अंदर? Tadpole will have a tail, right? Tail उसकी बाद में गायब हो जाती है, लेकिन tail गायब होने के पहले you will find your hind limbs will come out and उसके बाद hind limbs and forelimbs will come out and then the tail will start going over there. Then आपका अब इस tail खत्म होना चालू करेगी and then you will find the tail is lost completely and that frogs don't have a tail. इसलिए you actually call them as anurians because they don't have a tail. जो हम बाद में देखेंगे, बट याद रखना this is also one of the group जिसमें आपको adult form में आपको tail नहीं मिल रही, बट आपको larval form में आपको tail वहाँ पे आपको दिख रही थी। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, आपकी जो tail होती है ना tadpole की जो गायब हो जाती है एक time के बाद, उसे खत्म करने के लिए, उसे digest करने के लिए पता है आपका कौन यहाँ पे help करता है? आपको यहाँ पे help मिलती है आपके lysosomes. Your lysosomes are the one which actually help in the digestion of the tail in the tadpole. आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा that lysosomes are known to have a hydrolytic enzymes. ये चीज आपने कभी ना कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी. Yes sir. In enzymes की मदद से you start breaking down the tail and it has been lost over there. मैं एक और चीज बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, आपने अगर कभी ह्यूमन एम्ब्रियो का पिक्चर कभी देखा होगा ना, अगर टीवी पे अगर आपने कभी देखा होगा, उनके फिंगर्स के अंदर आपको वेबिंग मिलती है, उनके फिंगर्स के अंदर आपको वेबिंग आपको मिल जाएगी देखने के लिए। सो दे विल हैव अ वेबिंग इन द फिंगर्स, दैट वेबिंग इज नो लॉन्गर सीन इन यू। फिलहाल तो आपके अंदर कोई वेबिंग है नहीं ना वहां पे। व्हाई दैट वेबिंग हैज बीन गॉन? अगेन बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम्स, उसे मंचाउन कर देते वहां पे। सो यू फाइंड दैट हैपनिंग। बताइए आप, तब बोलिए सर वेबिंग होता क्या है? बतख देखिए आपने, बतख? Yes, sir. उसको मैं देखता हूँ उसके फीट कैसे होते हैं स्विम करने के लिए, देखे उसके फीट कैसे होते हैं, सारे चिपके हुए होते हैं, उसे कहते हैं वेबिंग। वो वेबिंग आपके अंदर भी मिलती है बट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। बताइए हर्षित, बोलिए। सर कहीं सुना था मैंने कि ना ह्यूमंस के पास भी पहले टेल हुआ करती थी, सही है क्या ये स्टेटमेंट? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको टेल मिलती है, यू डोंट हैव टेल इन द एडल्ट फॉर्म। So that means कि हमारे ancestors के अंदर tail हुआ करती थी, but not in the Homo sapiens में कभी नहीं थी। But Homo sapiens के पहले जो आपका lineage था ना, they must be having the tail, जो time के साथ साथ regress कर गई। Tail ना होने का एक ये भी होता है ना, like because when you become land dwellers, you are no longer arboreal, so you don't need to have a tail. But yes, that's true. Tail आपकी रही थी, but that is something you will find in the ancestors, not in the Homo sapiens. Homo sapiens lineage में आपको कभी tail नहीं मिली थी। उसके पहले वाले जो आपके एंसेस्टर्स थे वे बैक, दे मस्ट बी हैविंग द टेल। और वही हमारे अंदर उसका एक स्मॉल बोन आपको मिलता है, दैट इज अ कॉडल बोन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉक्सी बोन, सॉरी, इन योर वर्टेब्रल कॉलम, दैट इज योर टेल बोन, जो आप पढ़ोगे एनिमल फिजियो के अंदर। ठीक है, जो हमारा तब चालू होगा जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये चार पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना, यू हैव अ प्रिंस ऑफ नोडोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. ये आपको सब में देखने के लिए मिलेगा. दिस समथिंग आई विल फाइंड इन ऑल द कॉर्डेट्स, राइट? नाउ दिस समथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स, अब हम आगे नहीं बढ़ते. नाउ आई कैन टेक योर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. नाउ बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस, ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस. एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी ऋषा, बताइए, बोलिए. So I was asking that are the gills and tail both the things are present in the embryonic stage of human being? Yes, you will find pharyngeal gills it as well, and you will also have a tail in the embryonic stage as well. So why they are not like present in offspring or something like? Because adults? They do not serve any kind of advantage to us. If you are a land dweller, why do you need to have a gills? You depend on lungs for your breathing, na? So you don't need to have a gills. So the part of an area which is going to form the gills, which is going to have a gills, will turn into the pharynx. Wo pharynx mein ban jayega. On the other hand, the gills, on the other hand, the tail you have, na? The tail does not have any purpose in the human beings. They do not have any kind of purpose in the human beings. That's why it will get regressed over there. And that stays over there as one of your vestigial part, as a tail bone, jisko hum kehte coxie. पर्पस सब करना चाहिए बेटा, पर्पस इवोल्यूशनरी एडवांटेज कुछ होना चाहिए ना, तभी तो वो आपका रहेगा, नहीं तो वो बॉडी पार्ट आपका से रिग्रेस हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता. आप अपने कैनाइन देखो, आपके कैनाइन अब वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे. योर कैनाइंस हैव टू बी शार्प, दे शुड बी सुपर शार्प. है अभी भी वो शार्प आपके, बट नॉट एज शार्प एज देवर बिफोर. दैट इज वॉट हैपन्स इन इवोल्यूशन, दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है, ओके. सो ये हमने यहाँ पे देखा. नॉलेज सी द बेसिक ट्रेट्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. नोडोकॉर्ड प्रेजेंट, नोडोकॉर्ड विल बी एब्सेंट इन द नॉन कॉर्डेट्स. सेंट्रल नर्व सिस्टम इज ऑन द डॉर्सल साइड, हॉलो एंड सिंगल इन द कॉर्डेट्स. सेंट्रल नर्व सिस्टम विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. आप कभी अगर नोटिस करोगे, या आप याद रखना, अगर आप कॉकरोच को अगर आप देखते हो, इफ आई ड्रॉ अ कॉकरोच ओवर हियर, आई ड्रॉ कॉकरोच, अगर मैं कॉकरोच का ऐसे बॉडी का एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, राइट, समझिए उसका हेड है यहाँ पे, कॉकरोच का हेड ऐसा ही होता है ना, ट्रायंगल वाला. ठीक है, सो दिस इज अ कॉकरोच एंड इसकी आंखें हैं यहाँ पे. सो कॉकरोच अगर आपका यहाँ पे, तो याद रखना कॉकरोच का नर्वस सिस्टम विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. कॉकरोच का नर्वस सिस्टम विल बी ऑन द वेंट्रल साइड यहाँ पे. ठीक है, सो दिस विल बी द एरिया व्हिच विल हैव द नर्वस सिस्टम. ऑन द अदर हैंड उसका जो हार्ट होता है ना, द हार्ट इज ऑन द डॉर्सल साइड. पता है कॉकरोच का 13 चेंबर हार्ट होता है, इट्स नॉट लाइक एक या दो, पता है सर, और उसमें चार ही है. दे विल हैव अ 13 चेंबर हार्ट एंड दिस 13 चेंबर हार्ट इज समथिंग विल फाइंड ऑन द डॉर्सल साइड. आपका हार्ट कहाँ पे, डॉर्सल या वेंट्रल है? वेंट्रल साइड सर, वेंट्रल साइड, वेंट्रल ventral side, sir. Yes. So this is what you have to know over there, that non-cordates will always have nervous system on the ventral side, solid double, and your central nervous system will be on the dorsal side, hollow and single in my cordates. Pharyngeal gill slits will be seen in the cordates, but gill slits are absent in my non-cordates. Heart is on the ventral side, heart is on the dorsal side on the non-cordates, and your पोस्ट एनल टेल आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके पास यहाँ पे एब्सेंट होगा. सो नॉन कॉर्डेट्स विल नेवर हैव अ टेल इन देम. सो याद रखना कॉकरोच इंसेक्ट विल नॉट हैव अ टेल, दे डोंट हैव अ टेल. टेल वाली बात आप कॉर्डेट्स में आके आप करते हो यहाँ पे. नाउ ये इसका आंसर यहाँ पे दे दो मुझे यहाँ पे. प्रेजेंस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स कि इनका यहाँ पे काम क्या होता है. सो बताइए हर्षित, बोलिए. हर्षित इज लाइक ही काम करता है. ऑप्शन ए इन नोटोकॉर्ड. हां, नोटोकॉर्ड पे आपका आंसर सही आ गया. हां, मुझे बताओ फ्रेंजल गिल स्लिट्स का जनरली काम क्या होता होगा? किसका सर? ऑप्शन सी का यहाँ पे जनरली आपका यहाँ पे काम क्या होता होगा? सर ये पानी में सांस लेने में मदद करते हैं. और इट गिल्स विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट्स ट्रू. सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए आपके यहाँ मदद करते हैं. ठीक है, मुझे हर्षित ये बताओ कि आपको जो नर्व कॉर्ड है आपके पास, नर्व कॉर्ड ह्यूमन बींग्स के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सर इसका नहीं पता. कोई बात नहीं, समय है.
बोले बोले बेटा बेटा बोला आप बोला नर्वस सिस्टम एंड देन यू हैव अ नोटोकॉर्ड व्हिच विल कन्वर्ट इनटू योर व्हाटएवर कॉलम इन द व्हाटएवर डेटा राइट दैट्स ट्रू ठीक है नाउ लेट्स डू वन थिंग लेट मी स्टार्ट यूरोकोडेटा एक काम करते बाद में करते हम लोग यहाँ पे बट इतना मैं आपको बताता हूँ चलो एक चीज आप बता दूंगा आपको एंड देन यू कैन स्टार्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड क्योंकि आपके क्वेश्चंस बाकी रहते हैं विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द यूरोकोडेटा इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा यूरो मतलब टेल नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा आपको यहाँ पे समझिए मेरा एनिमल है समझो दिस इज एनिमल ऑफ माय यूरोकोडेटा यहाँ पे इसका माउथ है यहाँ पे स्माइल कर रहा है यहाँ पे ये राइट सो यू विल हैव अ नोटोकॉर्ड इन द टेल पार्ट नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा लेकिन इट विल बी देयर इन द टेल पार्ट सो टेल पार्ट के अंदर यू विल हैव द नोटोकॉर्ड सो टेल विल बी हैविंग द नोटोकॉर्ड सो दिस इज द टेल वाला एरिया एंड दिस विल बी हैविंग द नोटोकॉर्ड अब नोटोकॉर्ड आपको मिल रहा है टेल के अंदर लेकिन जब मेरा ये एनिमल एडल्ट बनेगा ना सो दिस इज इन द लार्वल स्टेज दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द लार्वल स्टेज जैसे ही आपको बनता है एडल्ट एज सून एज इट विल टर्न एडल्ट नोटोकॉर्ड गायब देयर इज नो नोटोकॉर्ड सो देयर विल बी नो नोटोकॉर्ड ओवर देयर ये एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही आपका एडल्ट बना आपके यहाँ पे दिस विल बी हैविंग अ नो नोटोकॉर्ड सो यू शुड नो दैट यू विल हैव अ नोटोकॉर्ड इन द टेल रीजन एट अ लार्वल स्टेज लेकिन जैसे ही आपके एडल्ट में आपका कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है कोई नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा टेल आपको दिख रही है सॉरी आपको नोटोकॉर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे बट ओनली इन द टेल एरिया के अंदर एंड दैट टू इन द लार्वल स्टेज एडल्ट फॉर्म के अंदर तो आपको मिलेगा भी नहीं यहाँ पे वो ठीक है नाउ लेट्स स्टार्टिंग क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ओवर हियर बताइए क्या करके सो पहले हम आफ्ताब का क्वेश्चन यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं आफ्ताब ने बोला था कि यहाँ पे आपके वेक्टर कौन कौन हो जाते हैं वेक्टर एक्चुअली आपका होता क्या तो आफ्ताब अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने वहां पे प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था स्पोरोजोन्स याद आ रहा है आपका उसका नाम स्पोरोजोन्स यस सर से रिलेटेड है ना स्पोरोजोन्स में एग्जांपल क्या आते हैं सर प्लास्मोडियम राइट स्पोरोजोन के अंदर एग्जांपल मेरा वहां पे था आपका प्लास्मोडियम अब प्लास्मोडियम के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको वहां पे दैट दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू कॉज यू द मलेरिया प्लास्मोडियम आपको मलेरिया कॉज करता है ये मैंने आपको वो टाइम पे आपको बताया था तो बेसिकली प्लाज्मोडियम किसकी मदद ले रहा है यहाँ पे आपके बॉडी में आने के लिए मॉस्किटो हाँ एनोफिलस दैट इज व्हाई एनोफिलस कैन बी कॉल्ड एज अ वेक्टर एनोफिलस इज अ वेक्टर फॉर नंबर ऑफ डिजीजेस मलेरिया इज वन ऑफ देम सिमिलरली यू हैव अदर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल एज योर लाइक फॉर एग्जाम्पल योर कॉकरोच एंड फ्लाइज कैन बी अ वेक्टर फॉर टाइफॉइड का जो आपका होता है ना आपका सेलुलर टाइफी वो आपके खाने के साथ आपके पेट में आता है तो वो मक्खियां आके बैठ रही होती है आपके खाने के ऊपर कॉकरोच आ रहा होता है खाने के ऊपर लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड सो दीज आर द वेक्टर्स ओवर देयर सो वेक्टर्स आर द वन जिनका इस्तेमाल करके कोई दूसरा एनिमल आपकी बॉडी में आ सकता है ट्रेवल कर सकता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपने आप को दोज आर कॉल्ड एज माय वेक्टर्स सो एनोफिलस आपका हो गया क्यूलेक्स हो गया एडीज हो गया दे आर ऑल माय वेक्टर्स सर ट्रांसपोर्ट एजेंट्स होते हैं वेक्टर्स ट्रांसपोर्ट एजेंट्स होते हैं बेसिकली वेक्टर्स They are not only transport agents, they are also helping in complete in the life cycle. अगर वो इनको as a vector इस्तेमाल ना करें तो उनका life cycle भी complete नहीं होगा. So generally, parasites are going to use these organisms as a vector. इनकी मदद से you can get inside some other organisms. So mosquito की मदद से आपका plasmodium आपके body के अंदर आ रहा है. Cockroach की मदद से salmonella typhi आपके body के अंदर आपका आ रहा है वहाँ पे. Culex एक आपका होता है मॉस्किटो का जीनस आपका होता है दैट इज समथिंग एडीज आपका एक मॉस्किटो आपका जीनस होता है आपका यहाँ पे डैश के आपका डेंगू होता है सो वायरस का जो वेक्टर होगा वो उसके अंदर होगा एंड देन इट विल गेट इनसाइड द बॉडी सो दैट्स यूजिंग इट एज अ वेक्टर टू गेट इनसाइड द अदर बॉडी आपने पता है एक बीमारी सीखी थी इसी चैप्टर के अंदर बीमारी नहीं यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल ऑफ माई वोकेरिया हमने देखा था एज एग्जाम्पल ऑफ माई एस्क्लेमेंथिस मैंने फिर आपको बताया था कि एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम कहते हैं फिलेरियासिस कुछ याद आ रहा है आपको यस सर यस रंग का वो था वॉर्म था हाँ और ये फिलेरियासिस में क्या होता है नो वन एलिफेंट फूट एलिफेंट फूट एलिफेंट जैसा फिर कपड़े हो जाएगा बिल्कुल सी बात है राइट
चलो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसको कॉज कौन कर रहा है? इसका ये होने का रीजन आपको यहाँ पता है, एक मॉस्किटो जिसका नाम होता है क्यूलेक्स। यस सो क्यूलेक्स आके काटेगा आपको, उसके अंदर अगर फिलेरिया वाला वॉर्म हुआ तो आपकी बॉडी में आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे क्यूलेक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ वेक्टर। समझ आई मेरी बात आफ्ताब? सो हाउ द वेक्टर्स टर्म इज बीन यूज्ड ओवर हियर। सो वेक्टर्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू कैरी नंबर ऑफ डिजीज पैथोजेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ वेक्टर्स। सर मतलब क्यूलेक्स जब हमारे मतलब जो वायरस होगा जब वो पैर में काटेगा तब ये फुट वायरस नहीं, सॉरी वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म, सॉरी वाला। ठीक बोलो। है सुनिए, जब ये देखा जब ये क्यूलेक्स काटेगा हाँ तो जरूरी है पैर में काटे तो फुट होगा, एलिमेंट फुट डिजीज होगी। अगर फिलेरिया वॉर्म है ना वहां पे। ओके नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। अज्यूम दैट इज अ क्यूलेक्स मॉस्किटो, इट हैज अ फिलेरिया वॉर्म इन इट, ठीक है, इट कम्स एंड बाइट्स यू। देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन हैव अ एलिफेंटियासिस। नाउ इफ यू हैपन टू बी समवन हु हैज अ वेरी वेल गुड डेवलप्ड इम्यून सिस्टम, राइट, तो कई बार उस फिलेरियल वॉर्म को आपका इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस कर देता है, उसे लाइक उसे काउंटर उसे खत्म कर देता है। बट द ऑड्स ऑफ हैविंग दिस कंडीशन आफ्टर हैविंग अ बाइट फ्रॉम सच काइंड ऑफ मॉस्किटो इज वेरी हाई। तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि अगर फिलेरियल वॉर्म वाला अगर मॉस्किटो अगर आपको काट रहा है, यस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ डिजीज विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे होती है। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ समवन हैज अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम ना, तो उसमें तो ये होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इफ समवन इज हेल्दी एंड विल हैव गुड इम्यून सिस्टम, देन कई बार क्या होता है कि आपके खुद के आपके इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है फॉर दोज वॉर्म्स एंड दे माइट न्यूट्रलाइज देम। और समटाइम वॉट हैपन्स ना अभिषेक आफ्ताब, समटाइम क्या होता है द फिलेरिया वॉर्म इज नॉट एबल टू पॉपुलेट इटसेल्फ इनसाइड द बॉडी बिकॉज ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स दैट कैन बी देयर। बट जनरली आपको याद रखना है कि अगर वो काट रहा है तो आपको वो बीमारी होगी, सिंपल। बट देर आर सर्टन रीजन बिकॉज ऑफ दैट समटाइम डिजीज विल नॉट ऑल्सो हैपन। इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, देर इज अ रीजन दैट माई फिलेरियल वॉर्म इज नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज ओवर देयर, दैट कैन बी रीजन, सो देयर कैन बी रीजन एज वेल। बट आपको मानना है होगा 10 में से 8 बार आपको बीमारी होगी, सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आफ्ताब मोहम्मद यस सर सुनाई दे रहा है, बताओ ऋषा बोलो। सर वो स्टोमो कॉर्ड वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे अभी। वो तो मैं जब आपको कराऊंगा ना नोटोकॉर्ड तब आपको बताऊंगा ना वो चीज, व्हेन वी विल डिस्कस द नोटोकॉर्ड इन डिटेल, द रोल ऑफ नोटोकॉर्ड ओवर देयर, राइट, एंड देन वी विल सी दैट थिंग। अभी तो मैं करना बाकी ना वो चीज, वी हैव टू गेट इनटू दैट। एंड सर एक और चीज आपने बोली थी कि हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेटा में नहीं आते हैं बट दे कम इन नोटोकॉर्ड्स, लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड्स, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। सो बेसिकली क्या हुआ था, जब आपका हेमिकॉर्डेटा उन्हें मिला था ना वहां पे, सो इनिशियली देयर थॉट दैट दिस ग्रुप हैज टू बी पुट अंडर द कॉर्डेटा। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम बनाया और सब फाइलम में उसे डाल दिया, उसे हेमिकॉर्डेटा को वहां पे उन्होंने प्लेस कर दिया। सो इनिशियली दे बिलीव दैट माई बेलेनोग्लॉसिस शुड कम अंडर माई कॉर्डेटा, बट बाद में जब उन्होंने उसके ऊपर डिटेल एनाटॉमिकल स्टडी किया, दे रियलाइज दैट इट डज नॉट फॉलो ऑल द ट्रेड्स ओवर देयर। इसमें सारे वो ट्रेड्स आपको वहां पे नहीं दिख रहे विच अ कॉर्डेट नीड्स टू हैव, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे पुट देम इनटू अ सेपरेट ग्रुप, दे पुट देम बैक इनटू द नॉन कॉर्डेटा। जैसे कि यू डोंट हैव इन अ रियल सेंस, यू डोंट हैव अ नोटोकॉर्ड, दे हैव अ स्टोमा कॉर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नोटोकॉर्ड, सो वो नहीं होती उनके पास। सेकेंड थिंग दे ऑल्सो डू नॉट हैव पोस्ट एनल टेल, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है। So while looking at some of the features in their organ system, they realized कि इनको आप नहीं रख सकते, you cannot keep them into the chordata, and that's why they were placed back into your non-chordata के अंदर उसने place कर दिया था। So it does happen, I tell you something, it does happen। आप जितना detail में आप study करते हो आपको realize होता है कि ये animal तो उसमें belong ही नहीं करता, and then you have to place them into a different group, that does happen। वो ही होता है आपका, you always find that happening in terms of टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर यही होता है, यू ऑलवेज कम अक्रॉस समथिंग, आपको एक नया ग्रुप के अंदर आपका एनिमल आ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया, जैसे आपका फ्रॉग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राना टिग्रीना इज नो लॉन्गर राना टिग्रीना, वो राना जीनस थी उसको हटा दिया हम लोगों ने वहां पे। हां तो इट डज हैपन, पता अजीब सा वर्ड था।
और स्नो लेपर्ड का भी तो कितना इंटरेस्टिंग नाम था, अंशिया अंशिया, याद है? यस सर, यस सर, यस सर। ये नाम कौन रखता है यार, अंशिया अंशिया। नाजा नाजा तो भी ठीक था, वो एक हमने सेंड कर लिया था। दिस अंशिया अंशिया इज टू मच। होता है बेटा, होता है ये सब, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो हर्षित बताइए कुछ कहना चाहते हो हर्षित आप। बाकी पीपल यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन ड्रॉप आउट। कोई सवाल नहीं है ना, ड्रॉप आउट कर लेना। ओके सर, गुड नाइट। ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बेसिकली। आपके एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स आपको लेने पड़ते हैं, चाहे एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स आपके डॉक्टर आपको देगा, एंड देन स्लोली विल फाइंड यू विल रिकवर फ्रॉम इटसेल्फ। सो आपको लेना पड़ता है दवाई, यू हैव टू डू दैट। जनरली ये है ना, पैर ही हाथी की तरह फूलता है, फिर हाथ और पेट भी फूल सकते हैं। इसमें सिर्फ पैर ही हाथी की तरह फूलता है, फिर हाथ और पेट भी फूल सकते हैं। कह रहा हूँ मैं, पैर एंड गोनाड्स, गोनाड्स एंड लेग विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर, क्योंकि फिलेरिया वॉर्म जो होता है इट विल गो एंड अफेक्ट योर लिम्फेटिक सिस्टम। वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके ग्रो करता है, एंड इट इज गोइंग टू टारगेट द लिम्फेटिक सिस्टम इन द लिम्स, इन द लोअर लिम्स, राइट? तो वहां पे स्वेलिंग आपको होते मिल जाएगा, एंड यू विल फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ स्वेलिंग विल बी सीन इन गोनाड्स एज वेल। सो इन एरियाज में आपको स्वेलिंग होते हुए आपको मिलती है, बस हाथ में नहीं होती, ओनली इन द फीट। हर्षित ओके, थैंक यू सर, बाय। ऑलराइट, ठीक है, एनी अदर पीपल बताइए, आप तो बोलिए। सर सीएनएस जो होता है वो नॉन कोडेड में सॉलिड होता है, तो उनमें एक्सचेंज कैसे होता है मैसेज इसका? नहीं मैम, मतलब जब चीज सॉलिड हो गई तो उसमें से कोई चीज, हाँ समझ आया सर? नहीं सॉलिड, नहीं सॉलिड हो गई तो क्या, इतना तो लगेगा कि वो सॉलिड है तो फिर क्या। आई थिंक लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉलिड का यहाँ पे आप टर्म अलग समझ रहे हो। सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड नहीं होता है यहाँ पे बेटा, हार्ड वाला सॉलिड नहीं होता है यहाँ पे, दैट्स नॉट इट एक्चुअली मींस ओवर देयर, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस। सो सॉलिड डबल सी, अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर देयर, सी व्हेन वी टॉक अबाउट, देखो यहाँ पे आप स्ट्रेट में, यहाँ पे आप समझो कहाँ गया अपना ट्रेट। सी नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द नर्व सिस्टम, यहाँ पे आपका, यहाँ पे यू से दैट यू विल हैव सेंट्रल सिस्टम इज गोइंग टू बी वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। एक एक टर्म को मैं समझते हैं यहाँ पे, जब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ सॉलिड यहाँ पे, दैट मींस व्हाट, कि आपको क्या मिलेगा ना नर्व सिस्टम के अंदर, कि अज्यूम करो कि ये मेरे गैंग्लियंस है, ये मेरे गैंग्लिया है यहाँ पे, ये मेरा लाइक ये मेरे नर्व्स है कुछ। सो ये नर्व्स जो होंगे ना यहाँ पे, इनके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा, इनके बीच में आपको कोई स्पेस मिलेगा, दे आर ऑल नर्व्स ओवर, यहाँ पे आपको सारे नर्व्स मिलेंगे, तो सारे नर्व्स सारे न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और ये आपके हेड से लेकर टेल तक आप जा रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको होता है सॉलिड। जब मैं कह रहा हूँ कि आपका नर्व सिस्टम आपका यहाँ पे हॉलो है, सो व्हेन आई से हॉलो नर्व सिस्टम, दैट इज व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ चेंबर लाइक दिस, एंड इन दैट हॉलो चेंबर यू विल हैव द नर्व्स आर फ्लोइंग थ्रू इट। सो फॉर एग्जांपल आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका कहाँ से पास हो रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी यू विल हैव अ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज पासिंग थ्रू अ वर्टेब्रल कॉलम, राइट? सिमिलरली यू विल फाइंड इन दिस यू विल हैव अ हॉलो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा आपके नर्व सिस्टम के अंदर, and within that hollow system, hollow structure, we'll find all the nerves are passing through it. ऐसे hollow structure आपको नहीं मिलता यहाँ पे. We'll have, it is a composition of your all the nerves and neurons have been seen over there. इसलिए हम उसे यहाँ पे solid बोलते हैं. यहाँ पे solid का मतलब ऐसा नहीं कि वो hard है, वहाँ पे वो weak है. That's not how it is going to be. Hollow nerve system का मतलब आपका ये होता है कि इसमें से आपके कई सारे आपके sensory motor nerves आपके जा रहे होंगे और बाहर निकल रहे होंगे. That is what you find in the hollow term. Solid के अंदर you have a bunch of nerves. और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, राइट? दैट लाइक दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ सॉलिड वन। यस सर, ठीक है, चलो देन आई थिंक दैट्स इट ना। एनी अदर पीपल, एनी अदर क्वेश्चन? ये प्री टेल भी होता है क्या कुछ? क्या होता है? जैसे पोस्ट एनल टेल होता है वैसे प्री एनल टेल हो सकता है? नहीं, तो डैग कैसे रख सकते हैं? प्री आता है फिर पोस्ट आता है। मैंने आंसर दे दिया उसका, नहीं होता, प्री एनल टेल नहीं होता, बस बात वहां पे खत्म हो गई।
like that's it. We only have a postanal tail, preanal tail. आफ्ताब बहुत बढ़िया. चलो चलो रैप अप करते हैं. मैं तो कुछ भी आपके सवाल आएंगे फिर आपके प्रियनल टेल फेरेंजल गिल स्ट्रीट हमारे. नो सर नो सर मैं भी मार रहा हूँ एग्जिट. गुड इवनिंग वेलकम टू वापस. गुड नाइट सर. गुड नाइट कल मिलते हैं. अभी जा रहा हूँ एग्जिट वन. चलो चलो बाय एवरीवन बाय. मुस्कान कौर इज सेइंग टर्टल. आई डोंट नो व्हाई बट शी इज सेइंग टर्टल. ऑलराइट चलो बाय एवरीवन. Bye, sir.